Bye bye. देखा तूने? Hey guys, welcome back. नहीं 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 बिल्कुल नहीं. तू दाल में देखता हूं कि मेरे को पता नहीं. हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून. आर यू रेडी? दोस्तों, आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है, कल हमने कुछ किया था, कल हमने कहां पे खत्म किया? वैल्यू क्रिएशन पे दी एंड किया था. दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को ला रहा हूं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चेंज. आपने कभी इसके बारे में सुना ही होगा. सर, आप क्या आपने कभी सुना है? आ जाओ दोस्तों, लगा देंगे चिट्ठी यहां पे. दोस्तों, ओ दोस्तों, शुड आई बिगिन? आज आज मैं एंड में रिवाइज कराता हूं. मेरा मन है मैं पढ़ाऊं अभी इसको. बेटा तुम बैठते क्यों नहीं? शुड आई बिगिन गाइस? कम ऑन, क्या चाहिए? पेज नंबर क्या है इसका? 5.17. ओके, कैन आई स्टार्ट? दोस्तों, अरे आवाज कम करो भाई. यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वाचिंग मी लाइव ऑन यूट्यूब. ओके मित्रों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज? सुनो, अरे यार आवाज, मैं कौन है, मैं क्या कर रहा हूं? राज, कोई बात नहीं करना चाहिए. अमर, नोबडी शुड टॉक. ओके, जब भी दुनिया बदलेगी यू आर सपोज टू चेंज योर सेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट. मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, अब खत्म हो जाना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी सुनो, अभी बोला ना आप गए बार. दोस्तों, यू आर सपोज टू चेंज योर सेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट. इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, यू विल बिकम आउटडेटेड. यू विल बिकम आउटडेटेड, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जैसी दुनिया बदली, आपने अपने आप को बदलना. अगर आपने अपने आप को बदला नहीं तो आप बन जाओगे आउटडेटेड. दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल हमने इस सृष्टि में देखे हैं, कई जमाने में इनका बहुत नाम था, पर दोस्तों क्या हो गए देखते देखते. एक जमाना था दोस्तों, इन सबका बहुत नाम था. अगर आपको नोकिया नहीं बनना है, अगर आपको BSNL नहीं बनना है, अगर आपको कोडैक कैमरा नहीं बनना है, दोस्तों यदि आपको HMT वॉचेस नहीं बनना है, सो दोस्तों यू आर सपोज टू चेंज योर सेल्फ. इफ यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ, यू विल बिकम आउटडेटेड. दोस्तों, कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत नाम किया था. आपका ध्यान पहले 5 मिनट में पता नहीं बहुत विचलित होता है. आप देखिए, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं. कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेटेजी चेंज, सब्जेक्ट का नाम है SM, मेरा नाम SP. ठीक है, और अभी ध्यान से देखे, मुझे आपकी बातें डिस्टर्ब करती और कुछ नहीं हो रहा. इट इज वेस्टिंग योर टाइम. एवरीडे आने के दिन 5-7 मिनट में यही काम करता हूं. कमाल करते हो आप, मत करो ये सब मेरे साथ. दोस्तों सुनो जरा,
आपने इन सबका नाम सुना जिनकी मैं बात कर रहा था। कोरोना के समय कई ऐसे टीचर्स आए जिनका नाम बहुत था, आज वो बर्बाद हो गए बिकॉज दे डिड नॉट चेंज देमसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। दोस्तों जमाना बदल रहा है, आपने अपने आप को चेंज करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज आपके सामने मैं कुछ केस स्टडीज दिखाने आ रहा हूं, आपको ध्यान देना है। इधर देखिएगा, आपको केस स्टडी से बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं सबसे पहले दिखा रहा हूं नोकिया लूजिंग मार्केट शेयर ट्रेंड। यहां तक कि मेरे जीवन का और मेरे जैसे कई लोगों का जीवन का पहला फोन, दूसरा फोन, तीसरा फोन नोकिया ही नोकिया था। हमारे लिए नोकिया ही सब कुछ था। पर दोस्तों इसको, इसकी एक प्रॉब्लम थी और आप सभी जानते हो प्रॉब्लम क्या थी। क्या प्रॉब्लम थी इसकी बताओ? ध्यान से देखिए, एक जमाने में इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2007, मोबाइल कंपनीज के अंदर 50% मार्केट शेयर नोकिया हुआ करता था। आप में से आज बताओ कितने लोगों का नोकिया है? नो वन इन द एंटायर क्लास, देयर इज नो वन यूजिंग। आप में से लाइव स्ट्रीमिंग वाला, आपके पास कोई है तो आप मुझे बताएं। हमारी बात छोड़ो दोस्तों, हमारे घर वालों के पास भी आजकल नोकिया फोन नहीं है। इसका मार्केट शेयर अब नहीं के बराबर है। सोचो एक पीक पर आने के बाद में जब आपके हाथ से आपकी सत्ता चले जाती है तो बहुत दर्द होता है। एक बार शाहरुख खान के साथ में मीटिंग कर रहे थे, उसको पूछे जिंदगी में क्या क्या डिफिकल्ट है, क्या सबसे डिफिकल्ट है, एक नंबर बनना या उसको मेंटेन करना? वो बोलता है इसका मेंटेन करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप जानते हो जवान और पठान के पहले कुछ ऐसा समय आया था कि शाहरुख खान की हर मूवी फ्लॉप हो जाती। तुम जीरो ले लो, एवरीथिंग फैन ले लो, जो मूवी हरी फ्लॉप हो रही। और शाहरुख खान कोशिश कर रहे थे कि वो रोमांटिक वाला उसका अंदाज रहा है शुरुआत से, दिल वाले दुल्हनिया से कुछ कुछ होता है तक। आपने देखा होगा शाहरुख खान वॉज अ रोमांटिक हीरो। देन वो 50 साल का होने के बाद उसको समझा कि अब लोग मुझे रोमांस के रूप में समझ में नहीं आ रहा बिकॉज अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। नाउ आई हैव टू, बिकॉज अब मैं वो 20-20 साल की लड़कियों के साथ में जब डांस करूंगा तो इट विल नॉट लुक गुड बिकॉज एक्ट्रेस की उम्र 20 साल की है, भैया 55 साल का हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड उसने तब से कमिट कर लिया कि आज के बाद में, अभी उसने कमिट कर लिया आज के बाद में मैं कभी भी रोमांटिक मूवी में काम नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरे जॉनर को सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद में आई फिर आपकी पठान, फिर आई जवान। दोस्तों अब रोमांटिक प्लेयर नहीं, यही वजह है कि यू आर सपोज टू चेंज योर सेल्फ एज पर द चेंज एंड अगेन शाहरुख खान इज बैक। अगर शाहरुख खान वही अगर आप रोमांटिक रोल में जाता तो काश ही इज नॉट बैक। हर किसी इंसान को अपने दुनिया के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। पर कई लोग हैं जान जाए पर शान न जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पर इंसान की अकड़ कम नहीं होगी, अकड़ वैसे की वैसे होगी बस। ये नोकिया है, पता है आप में से कोई बताएगा नोकिया में क्या अकड़ हुआ करती थी? बेटा आप बताएंगे, माइक दिया जाए। ये बच्चा मुझे बहुत टैलेंटेड लगता है देवंश। Am I wrong? हेलो हेलो बेटा, तुम में मुझे बहुत टैलेंट दिखता है, पता नहीं आप जवाब देंगे तो समझेगा। सर नोकिया को अपने कीपैड फोन पे इतना भरोसा था कि वो बोल रहा था कि मैं अपने कीपैड फोन से स्क्रीन टच फोन को भी टक्कर दूंगा, ऐसा बोल रहा था वो। ऐसा बोल रहा था। और एक उसकी एक बात थी, वो थी उसके और एक बात। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे क्या नाम है आपका? सिद्दीकी सर। सिद्दीकी। सिद्दीकी ने जवाब दिया कि उनका टच पैड उनको ठीक लगता था, उन्होंने स्क्रीन टच लाया नहीं। क्या आप में से कोई और एक जवाब दे सकता? व्हाट वाज द रीजन ऑफ फेलियर? यहां पे बेटा इधर है, उधर जवाब देना, उधर माइक देना। राधे के राइट साइड में कौन है देखिए। सर नोकिया की ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी। अरे हौले,
मतलब वो मैं पूछ रहा हूं कि नोकिया ने ऐसा क्या, किस चीज मतलब क्या था उसमें, उसने क्या नहीं चेंज किया? सर सर हां जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहां पे, यहां से फेस टू फेस में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास अथर्व सावत नाम का इंसान है जो लाइव स्ट्रीमिंग से है, जो कह रहा है सर द ओनली रीजन वॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू नो दे यूज टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड सिम्बियन सिम। अभी हम लोग के हर कोई फोन में एंड्रॉइड 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 किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नहीं है, एंड्रॉइड बिलोंग्स टू गूगल। चाहे हम लोग सैमसंग की बात करें, वीवो की, ओप्पो की, एमआई की, वन प्लस की, किसकी बात करो, आपके अलावा की बात कर लो, हर कोई कंपनी यूज करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ गूगल जिसका नाम है एंड्रॉइड। पर इसको अकड़ती, कुछ भी हो जाए मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलूंगा नहीं। जब आप अपने आप को बदलते नहीं हो ना तो लोग आपको बदल देते हैं। यही हुआ नोकिया के साथ में दोस्तों, नोकिया ने सिम्बियन को नहीं छोड़ा, लोगों ने नोकिया को छोड़ दिया। ये देखिए कितना दर्द है इनकी आंखों में, कहां से कहां पे पहुंच गए। और दोस्तों 2013 में तो उनका मार्केट शेयर नहीं के बराबर हो गया, और आज भी इनका मार्केट शेयर बहुत कुछ खास है नहीं, मतलब वो पता है बस नाम के लिए। अगर मैं आपसे और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं तो आप सभी जानते हो आज आपका फेवरेट टेलीकॉम कंपनी, वैसे जानकारी के लिए पूछता हूं आप मुझे बताओ इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी, सोच के बताना और सोच लो एक बार दो बार तीन बार। कोई लग कर रहा आइडिया वोडाफोन, कौन बोल रहा आइडिया वोडाफोन? सर दोनों साथ में आके तो बड़ा ही होगा ना, मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं। एयरटेल, कोई कह रहा जियो, एयरटेल जियो जियो, कितने लोगों लगता है एयरटेल, कितने लोगों जियो लगता है? आइए करते सच का सामना, मार्केट शेयर ऑफ जियो एंड एयरटेल इंडिया 22 कर देता हूं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों क्या लिखा है आप यहां पे गेन्स फॉर, एक बार देख ले क्या लिखा है मार्केट शेयर टू, क्या लिखा है, क्या लिखा है? जियो कितना लिख रहा है एंड एयरटेल कितना लिख रहा है? और एक खबर कब की है, 28 सितंबर 2023, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा फोन कौन सा, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी वन एंड ओनली जियो, और उसके बाद में आ रहा है एयरटेल। और अगर मैं बीएसएनएल की बात करूं तो अता पता कुछ भी नहीं है। मार्केट शेयर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, मार्केट शेयर ऑफ टेलीकॉम, टेलीकॉम कम ऑन, टेलीकॉम इन इंडिया इन 2023, कम ऑन गाइस चेक इट आउट, ये रहा आपके सामने, ये देख लेते इमेज देखते हैं, ओ माय गॉड, कहां जा रहा है ये? ओके देवी और सज्जनों 2023 का डेटा है, रिलायंस जियो 37, भारतीय एयरटेल 32, और आप देख सकते हैं बीएसएनएल ओनली 9%, वो भी ऐसी जगह पे जिन रूरल जगह पे और कुछ नहीं चलता वहां पे सिर्फ बीएसएनएल ही चलता है। अगर जहां पे गिवन द ऑप्शन, ऑप्शन अगर आपके पास एयरटेल जियो तो पीपल वुड प्रेफर ऑलवेज एयरटेल एंड जियो, दे वुड नॉट प्रेफर वाटर। दोस्तों एक जमाना था मोबाइल मतलब बीएसएनएल टेलीकॉम, ये कुछ लोग होते ना अपनी अकड़ से मर जाते हैं। ये एसएम सब्जेक्ट को जो लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, एसएम सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपका धंधा जब भी चल रहा हो उसमें आप नंबर रहोगे, ये एसएम का पहला ऑब्जेक्टिव है। और एसएम सब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका धंधा ही चला गया तो आपको गाइड करता है कि धंधे से शिफ्ट होके आपने दूसरा धंधा लाना है। जैसे मान लो सीए क्लासेस चल रही है और मैं एसएम सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो वो मुझे सिखाएगा कि मैंने कैसे एसएम सब्जेक्ट में या कैसे सीए के दुनिया में मैंने आगे रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कल्चर के सीए का इंडस्ट्री ही बंद हो गया, सारी की सारी क्लासेस आईसीए खुद दे रहा है, कोचिंग क्लासेस बंद हो गई और मेरा घरदार बंद हो गया। अब मुझे सिखाएगा कि आप ऐसे हालत में मैंने अपनी नैया कैसे पार करना चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट यू विल बी ऑलवेज अहेड इनटू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, इट विल आल्सो टीच यू कि इन केस योर बिजनेस इज गेटिंग चेंज्ड, इट विल गाइड मी टू सर्वाइव, इट विल गाइड मी टू कम बैक। दोस्तों आपके सामने आ रहा है तीसरा एग्जाम्पल। अच्छा वैसे आप बताओगे इसने क्या नहीं चेंज किया,
इससे क्या नहीं, क्या करते बीएसएनएल में? अरे भाई यहां 3G 4G लोग 5G ला रही है, हावले का 3G भी ढंग से नहीं चल रहा है। इनको डेटा वेटा तो इनके दिमाग में आया नहीं कभी, इनके मतलब क्या था कॉल करो एसएमएस को, इनको लगा ही नहीं इंटरनेट इतनी बड़ी दुनिया है। वो तो जियो आने के बाद समझा, अच्छा इंटरनेट इज अ बिग मार्केट, आजकल लोग कॉल करने के लिए कम पैसे देते हैं। दे हैव नेवर अंडरस्टूड इंटरनेट इज ऑल्सो बिग बिजनेस, उनको लगा नहीं डेटा भी बहुत सेल होगा। ये तो विजन हमारे मोटा भाई देख रहे थे। जियो की कहानी बताता हूं देवी और सज्जनों, लोगों को लगता है कि जियो 2017 में आया, पब्लिक के दुनिया में पब्लिक की नजर में जियो 2017 में आया जरूर हो, पर भाई और बहनों जियो की शुरुआत तो 2010 से हो गई थी। भाई अनिल से झगड़ा होने के बाद कुछ सालों का नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था, नॉन कॉम्पीट यानी कि अनिल ने बंटवारे में लिखा था भैया तू इस टेलीकॉम के धंधे में मत घुसना क्योंकि तू आया तो मेरी बजाएगा। बोले कितने साल का नॉन कॉम्पीट? बोले 5 साल का नॉन कॉम्पीट। बोले ठीक है। जैसे 5 साल खत्म हुए मोटा भाई बोले आप तो मैं आ सकता? बोले हाँ आप तो लीगली आ सकता है। 2010 में जब इंडिया में ढंग से 2G भी नहीं चल रहा था ना, तो मोटा भाई इंडिया में 4G का प्लानिंग कर रहा था। इसको बोलते विजन। यही तो सीखा था SM, वो मत करो ये करो कि आप आज अगर 2023 में बैठे हो डोंट थिंक अबाउट 2023, आपको 2040 का प्लानिंग करना है कि 2035-40 में क्या आने वाला है। एंड देन यू आर अहेड, एंड वेन यू आर द पायोनियर यू आर ऑलवेज गेटिंग द बिग मार्केट शेयर। अब समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे दुनिया बदली, बदलने का आसार भी अगर हुआ ना, लग रहा है कि कुछ तो बदलने वाला है, आप पहले लेकर आ जाओ उसको, तो आपको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कई लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, पर आप क्या करते हो जनरली, उसको लाने दे पहले, उसको लाने दे, उसको लाने दे, सब लेकर आ जाते, आपका नंबर होता है अभी तक 10 लोग लेकर आए, आप बनते हो 11वां। ऐसे लोग जो होते ना, ये लोग कभी भी मार्केट शेयर जीत नहीं पाते। स्ट्रैटेजिक चेंज वो लोग कर सकते हैं दुनिया में जो दुनिया को पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि क्या नया आने वाला है, एंड दे डू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। स्ट्रैटेजिक चेंज आज की तारीख में एक बहुत बड़ा विषय है, बिकॉज ये दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। योर कंपनी शुड हैव अ सेपरेट डिवीजन हु कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर, एंड दे आर रेडी टू मेक ऑल द प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर, एंड इफ यू डोंट मेक इट यू आर गोइंग टू बिकम आउटडेटेड लाइक ChatGPT आने के बाद। बहुत दर्द हुआ गूगल, सबसे ज्यादा दर्द तो हुआ गूगल को, कई लोग जानते होंगे। ChatGPT के आने के बाद में हम लोग को बहुत मजा आया जीवन में, पर सबसे ज्यादा दर्द हुआ। अरे लोगों को लग रहा है अरे गूगल में तो वो ही निकल कर आता है जो वहां पे लिखा हुआ डेटा है, ChatGPT खुद से बोलता है, खुद से कुछ भी बोलता है, वो कुछ भी जो पूछो बोल देता है। ChatGPT का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंसानों जैसे सोचने की ताकत रखता है। पर आप सभी जानते सुंदर पिचाई भी कम नहीं है। जैसे उसको लगा पीपल आर गेटिंग क्रेजी अबाउट ChatGPT, Within few months, they also introduced the concept called Google Bard. Have you heard about Bard? Yes. Now they are the competitor for ChatGPT. If you remember, अगर आपने सुना है कभी Bard के बारे में? चलो मैं इसको, ये है दोस्तों आपके सामने ChatGPT. इसको पूछते, कुछ भी पूछते हैं। My girlfriend left me. I am completely lost. Helpless. Tell me what to do. ये ज्ञान देखते क्या ज्ञान दे रहा है। अलाउ योर सेल्फ टू फील, रीच आउट फॉर सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम ढूंढो वाला दूसरी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गर्लफ्रेंड चले गई आपकी, अवॉइड आइसोलेशन, क्रिएट अ रूटीन, सीक क्लोजर। कौन सा क्लोजर की बात कर रहा है भाई? Consider professional help.
फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ. रिमेंबर हीलिंग टेक्स टाइम. बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड ट्राई नॉट टू रश द प्रोसेस. इट्स ओके नॉट टू बी ओके राइट नाउ. विथ टाइम एंड सेल्फ केयर थिंग्स विल बी ग्रेजुअली स्टार्ट टू गेट. इतना अच्छा तो आपका दोस्त भी नहीं समझाएगा भाई. एक काम करेंगे और इसकी इसकी आप सभी जानते हैं चैट जीपीटी की पॉपुलरिटी कितनी हुई. बताओ चैट जीपीटी इंडिया में पहले आया कि बार्ड पहले आया. और जैसी दुनिया बदली गूगल इज वेरी स्मार्ट. गूगल अंडरस्टूड ये तो अपनी दुकान लूट ले गए. अगर गूगल कुछ नहीं लाता ना तो गूगल सर्च इंजिन बंद हो जाता. क्योंकि आप सभी जानते हो चैट जीपीटी इज ऑलवेज चैट जीपीटी कुछ भी जवाब दे सकता है. उसको प्लीज देखो आई एम सी ए इंटर स्टूडेंट और मैं आई एम सी इंटर स्टूडेंट प्लीज मेक शेड्यूल फॉर मी. लो भाई कर लो पढ़ाई. 6 से 7 बजे खाना खाने बोल रहा है. अरे बस भाई कितना बोलेगा. ये चैट जीपीटी है इनका. इन्होंने जिंदगी में ये और ये जो चीजें ना ये अलग लेवल का है. बोल रहा है कि इस 8 से 12 बजे ये पढ़ो. लंच ब्रेक ले लो 1 घंटे का. आफ्टरनून में 3 घंटे और पढ़ो. इवनिंग में क्या कर रहे हैं वर्क ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स केस स्टडीज. डिनर 6 बजे करवा दे रहे हैं आपका. 7 से 9 बजे क्या बोल रहा है रिवाइज एंड कंसोलिडेट पूरा जो पढ़ा है आपने. वीकेंड सैटरडे रिव्यू वीक एरियाज एंगेज इन द ग्रुप स्टडीज. संडे को अगर डिवोट टाइम फॉर रिविजन. अरे कुछ ब्रेक पढ़ाने से यूज रिमेनिंग टाइम फॉर रिलैक्सेशन हॉबीज एक्टिविटीज. बी फ्लेक्सिबल टेक ब्रेक्स एंड ऑल दैट. गाइस चैट जीपीटी जो किया ना आज तक गूगल भी नहीं कर पाया. एंड गूगल अंडरस्टूड दिस. अगर मैं इसको बोलूंगा आई एम वेजिटेरियन प्लीज मेक यू नो डाइट प्लान फॉर मी. My weight is this much and make bad diet plan. वो ऐसा डाइट प्लान देगा कोई जो अपना वो न्यूट्रिशन भी नहीं दे सकता आपको. ऐसा गूगल नहीं देता है. गूगल क्या करता है आपको जो लोगों के छपे हुए आर्टिकल वो दिखाता है. इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड चैट जीपीटी. गूगल क्या करता है वर्ल्ड की सारे वेबसाइट में से जो जो छपा हुआ है ना वो बने बनाए सब. ये क्या करता है सारे डेटा को एनालिस करके अपना बुद्धि लगाता है इसमें से कौन अच्छा बोल रहा है. गूगल को अगर एक सवाल पूछा ना 25 आंसर देता है वो. पेज 1 पे अलग, पेज 2 पे अलग, पेज 3 पे आप चूज कर लो आपको कौन सा. ये ऐसा नहीं है. इसने सब पढ़ के रखा हुआ है. उसमें से जो बेस्ट है वो आपके सामने देगा. एंड दैट्स व्हाई गूगल को लगा कि अपना अपनी बजाएगा. इसलिए दोस्तों उसने लाया बार्ड. ये रहा आपके सामने. अब चलो इसको पूछते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रू फ्रेंडशिप. एक अच्छे फ्रेंडशिप में क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए. अनकंडीशनल लव की बात कर रही है. म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्पेक्ट ऑनेस्टी ओपननेस लॉयल्टी सपोर्ट एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस फॉरगिवनेस ग्रोथ एंड एनकरेजमेंट. ये जरूरी है. 9 पॉइंट बहुत जरूरी है. लोग दोस्ती में भी पजेसिव हो जाते. इंडिपेंडेंस दो दोस्तों को. टाइम और एफर्ट्स लगते हैं. ट्रू फ्रेंडशिप इज अ प्रीशियस गिफ्ट. यहां पे कितने लोग दोस्त हैं. ये आपके सबके लिए एप्लीकेबल है. इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग अ टाइम एंड एफर्ट टू कल्टिवेट एंड मेंटेन दिस स्पेशल बॉन्ड्स. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. क्या आपको लगता है गूगल ने अपने हाल वैसे करवा के लिए जैसे बीएसएनएल ने किए. इससे पहले हम लोग दुनिया से उठ जाते वो बाढ़ ला चुका था. दोस्तों आएंगे आपके सामने और एक एग्जांपल लेके जिसका नाम है कोडैक. कोडैक वर्सेस फुजी फिल्म्स. मैंने मेरे जीवन की सबसे पहले तस्वीर कोडैक पे निकाली थी. आप जब बचपन में 1 साल के थे मैंने आपको देखा था तब आपकी तस्वीर भी कोडैक में ही आई थी.
आप में आपने किसी को कोडैक कैमरा को देखा है? उसमें रोल हुआ करता था रोल, और 36 का रोल होता था, और वो रोल में आपको 36 फोटो निकाल रहा है, वो खत्म तो रोल खत्म, वापस यू हैव टू बाय वन मोर। और उसके बाद में दुनिया में चालू हुआ डिजिटल फोटोज, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया फुजी फिल्म ने। और जरा देखो यहां पे, ये जरा चार्ट देखिए, कोडैक बच्चों दोस्तों दुनिया में नंबर वन था, नोकिया नंबर वन था, बीएसएल नंबर वन था, तीनों ने जो अपने साथ किया ना, एसएम बोलता आप अपने साथ वैसे मत करो, यू शुड चेंज। हो सकता है आप भी एक जमाने में नोकिया बन जाओ, पर आपकी सत्ता सैमसंग लेकर चले जाए, आप भी बीएसएल बन जाओ, आपकी सत्ता जियो लेकर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए कैसा लेटा लेटा के मारा, देखिए देखिए आपके सामने देखिए, और एक ही वजह थे, न बदलने की भावना है। इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ पीपल विल चेंज यू, माइंड इट। कोडैक एक नंबर था, चाहता ना तो आज भी कोडैक ही नंबर वन होता, साहब एक नंबर था वो। नोकिया भी अगर वो लेकर आ जाता ना, वो भी नंबर वन रहता, पर इन्होंने क्या किया ना, अपने आप को खुद को बहुत भारी समझा। सोचो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चेंज। अरकाश एक बड़ी बड़ी कंपनी जिसको पढ़ ली थी ना, आज ये नौबत नहीं आती। बड़े बड़े कंपनी का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस बर्बाद हो गया बिकॉज उन्होंने एसएम का एक कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चेंज। देखिए आपके सामने लेटा दिया मैं आज आपको एक बहुत बड़े व्यक्ति से बात कर, प्लीज आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट टॉक, मैं बहुत बड़े व्यक्ति से एक मैं आपको बजाज कंपनी के जो प्रोडक्शन हेड है, मतलब पूरा बजाज एज अ होल इंटरनेशनल बजाज प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन हेड है, जो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए जो डिसाइड करते हैं, उनसे मैं बात करा रहा हूं। ये मैं बहुत करीब है और उनके और एज में भी काफी बड़े हैं, पर आई एम वेरी क्लोज टू हिम। मैंने उनसे बोला था कि आज मैं आपको क्लास में कॉल करूंगा, उनको बोला कि मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाना है तो मैं उनको आपके सामने सवाल पूछूंगा। सर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि भारत देश की सबसे पहले कोई स्कूटर थी ना, वो बजाज थी, हमारा बजाज। आपने सुना ना ऐसा आया था? Yes, बचपन का आया था ये। आज बजाज ने अपने आप को कहां से कहां लेकर गया ना दोस्तों, राजीव बजाज, संजू बजाज, राहुल बजाज, ये सब वो आप जानते हो। ये फैमिली ने अपने आप को जो चेंज किया है ना, एक बार पूछते हैं क्या सच में एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया क्या अपनी जिंदगी में, क्योंकि बाइक्स में बहुत चेंजेस होते हैं। आपने इन दिनों में सुना होगा बजाज कंपनी के अंदर एक नई स्कूटर आई है, मैं पूछना चाहूंगा आप में से किसने बजाज कंपनी की नई स्कूटर देखी? बजाज बेटा मत करो, बजाज चेतक आपने सुना? बजाज चेतक, जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगी, बजाज कंपनी को समझा ये तो बहुत लोग ले रहे हैं, ओला भी आ रहा है, और कौन है उसमें, एंथर एंथर हाँ एथर एथर जो भी है, और आपने टीवीएस को देखा, सही उसी समय पे लेकर आ गए कौन, ये हमें पूछना है कि उनको कैसे, वो कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं कहूंगा कि बजाज के अंदर के आज की तारीख के टॉप 5 लोगों ने, उसमें से वो एक है, आई रिपीट अगेन। और इनसे अच्छा मेरी पहचान कैसे हुई, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए मुझे बुलाया गया था और उनको भी बुलाया था, हम दोनों एक डायस शेयर कर रहे थे, तो वो भी ज्ञान देने वाले थे और मैं भी, तब मेरी पहली बार पहचान हुई। आई वाज सो हैप्पी टू मीट हिम दैट वो बंदा जो एक्चुअली बजाज कंपनी में काम कर रहा है, जो ये जो चीजें अपन तो जो बजाज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तेरी पढ़ रहे हैं, वो इस एसएम को रोज यूज करते हैं, और हम लोग देखेंगे सच में जो बुक में लिखा हुआ ना ये यूज करते हैं, ये सिर्फ ज्ञान है। एक बार पूछते हैं इनसे, ध्यान से देखना, इनका नाम है कैलाश जी। ओके इधर आजा बेटा, क्यों परेशान कर रहे हैं, आई कॉल यू, आई एम कॉलिंग। ओके कुछ मस्ती मत करना, बहुत ज्यादा वो बड़ा इंसान है। हेलो कैलाश जी। यस यस वेरी गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग गुड इवनिंग. मैंने अभी इस समय क्लास चालू है वहां से कॉल किया है और इस समय मेरे सामने जो स्टूडेंट्स है वो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है और मतलब लाइव स्ट्रीमिंग और मैं फेस टू फेस की बात करता हूं तो लगभग ये अभी 1300-1400 लोग सुन रहे हैं आपको. और मैं आपका जो इतना नॉलेज है इंडस्ट्री वाइड जो आपका एक्सपीरियंस है, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक चेंज. तो मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ बट बिफोर दैट जस्ट आई वुड लाइक टू नो जस्ट प्लीज आप सिर्फ अपने बारे में बताएं कि हम जिनसे बात करें वो इतना खास व्यक्ति कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं इस वक्त. खास व्यक्ति तो नहीं है भाई, आई एम अ वेरी लाइक ए कॉमन पर्सन. नहीं, वो आपका बड़प्पन है. मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया हूँ इनको बट आप अगर बता दोगे तो. कैलाश जांजरी है, मैं बजाज ऑटो में काम करता हूँ विगत 38 ईयर से और मैं मैन्युफैक्चरिंग हेड हूँ बजाज का और बजाज के जितने भी प्लांट है वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं. आई टेक केयर ऑफ वट एवर प्रोडक्शन इज हैपनिंग एट बजाज. सब लोग आपका तालियों से स्वागत कर रहे हैं and they are so happy, they are so glad कि एक ऐसे व्यक्ति से बात करने मिल रहा है कि who is having the extensive knowledge about the industry. तो बस आपसे जानना है कि हमारा concept है जिसका नाम है strategic change. मैं सिर्फ उसका एक line उसका बताना चाहता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे दुनिया में environment change होता है, companies ने उन changes के हिसाब से अपने आप को change करना चाहिए वरना product outdated बन जाता है. और आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बना रहे हो, बजाज कंपनी का इतना नाम है, तो क्या आपने भी ऐसे चेंजेस देखे हैं बजाज कंपनी में? क्या चेंजेस किए जाते हैं? स्वप्निल जी, दिस इज वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच रिक्वायर्ड बट ओनली थिंग इज दैट आवर टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट. वी कॉल दिस एज ए ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक कैपेबिलिटी. ओके, इट हैज गॉट टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एंड अदर वन इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव. रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. हाँ जी, प्रोएक्टिव. यस, in proactive you with your study knowledge and experience you judge what is going to happen in future and you prepare yourself by means of new development, innovation and research and you keep yourself up front ready. Achha. That is called as proactive approach. Okay, and proactive approach is opportunities before you. That suppose say for example in current situation electric vehicle. Opportunity is before us. And the organization developed itself from internal combustion engine to electric vehicle. That is how we come out with Chetak. So this is called as a reactive dynamic capability. Now another example of proactive is that we come out with a brand which is called as Yulu, which is a share mobility, a very small small electric vehicle in the form of a scooter. Achha. Which can be shared between colony people and local community people as a shared mobility for a short distance. Achha. That kind of product is not available as a scooter anywhere. So that is called as a proactive dynamic capability. So it's very important because you need both kind of approach. Otherwise, whatever innovation and improvement you do, that can be copied by your competition. एक सवाल, मैं sorry to interrupt, एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि आपने बजाज चेतक का नाम लिया, बजाज चेतक आप कहने लगे रिएक्टिव है, तो क्या मार्केट में पहले बजाज से पहले भी कोई बाइक्स आ चुकी थी जिसकी वजह से आपने बजाज चेतक को लॉन्च किया? नहीं, वो अब वो बड़ा ग्रे एरिया है, उसको रिएक्टिव बोलेंगे या प्रोएक्टिव बोलेंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. क्योंकि इंडिया के अंदर जो OEM से बनाए वाला फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर वो बजाज चेतक है. ओ, अच्छा. फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर किसी ने बनाया है इंडिया में तो वो चेतक है. ग्लोबली सम पीपल मेड इट बिफोर ग्लोबली. जी जी. और जैसे कि फर्स्ट टू मेक इट. ओके, मतलब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो पढ़ते हैं सिलेबस में कि कंपनीज बार बार एंटिसिपेट करती है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, तो क्या बजाज भी ऐसे अगले कई सालों का प्लान आज कर रहा है? हम लोग एक्चुअली अगर आप बोलेंगे तो आज हम 2023 में है, लेकिन हम अभी सोचते हैं कि 2030 में क्या होगा और अच्छा. आने वाले 7 ईयर्स और 8 ईयर्स में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है
उससे अपने आप को हम प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा चैलेंज रहता है इमिशन नॉर्म्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या क्या रेगुलेशन आते हैं, ग्लोबली क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, और वो सब चेंज के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अदरवाइज समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय में कोई चीज कर नहीं पाएंगे और आप हर एस्पेक्ट में अपने आप को नंबर वन नहीं रख पाएंगे तो आप मार्केट शेयर लूज कर दे। बिकॉज जो व्यक्ति, जो कंपनी, जो कारपोरेट नंबर पहला रहता है चेंज इंट्रोड्यूस करने में, वो लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर करता है। जो नंबर टू रहता है वो थोड़ा कम कैप्चर करता है। सही है। और तीन और चार के लिए तो बहुत छोटी जगह रहती है। इसलिए आप जो बता रहे हैं चेंजेस, डायनामिज्म इन चेंजेस, ये कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो क्या मतलब इसके लिए भी कहीं लोग अपॉइंट होते हैं बजाज कंपनी में कि जो ये हमेशा ही काम करते कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और वो नई नई चीजें ढूंढते हैं? हम लोग इसके लिए कोई अलग से नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों का वैसा हर इंडिविजुअल ने अपनी सोच को डेवलप किया है वैसा। अच्छा, ओके। हर व्यक्ति अपने आप को, जैसा अभी हम इलेक्ट्रिक चेतक बना रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक चेतक के लिए कोई नई मैन पावर रिक्रूट की है। अच्छा, हमारे जो इंटरनल कंबशन में काम करने वाले इंजीनियर है, फोर्स है, उसी को हमने डेवलप किया है, उसी में, उसी को उस टेक्नोलॉजी में हमने कैपेबल बनाया है। सो वी ऑलवेज इंश्योर दैट इट इज द पीपल हु हैज टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी एंड अडैप्ट एंड चेंज देमसेल्फ। राइट राइट। वैसे बजाज कंपनी बहुत सालों की कंपनी है, मे बी आई थिंक इट्स मोर देन 40 इयर्स, 4 डेकेड से कंपनी है। द ग्रुप इज फाउंडेड इन द ईयर 1936 एंड बजाज ऑटो स्टार्टेड इट ऑपरेशन इन 1964, सो इट्स क्लोज टू अबाउट मोर देन 50 इयर्स। हमने सबसे पहले बजाज का गाड़ी देखा था, वो स्कूटर आता था और जिसके लिए वेटिंग पीरियड रहता था, हमारा बजाज नाम का एयर था। तो वहां से लेकर मतलब बजाज ने बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करी। जी जी जी, यस। मतलब ये फिर हमने अभी आजकल वो पल्सर देखी है, फिर और भी बहुत सारी गाड़ियां। आप देखेंगे तो हम चार सेगमेंट में अपने आप की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो वर्ड आपने यूज किया है, तो सबसे पहला हमारा रहता है कि एक है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को नंबर वन बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर अभी हम नए नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना चाहिए वो देखते हैं। स्पोर्ट कैटेगरी में हम ऑलरेडी लीडर है, जिसमें हमारे पल्सर आते हैं, केटीएम आता है, और ट्रैम्प आता है। तो ऑलरेडी हम लीडर है, तो लीडरशिप वहां सस्टेन कैसे करनी है उस पर हम अपना इनोवेशन और अपना डेवलपमेंट का काम करते हैं। तीसरा आता है कमर्शियल व्हीकल, जो जो आप जिसको थ्री व्हीलर बोलते हैं। अच्छा, वो थ्री व्हीलर जो आती है उसका आपने देखा, थ्री व्हीलर बजाज का? जी जी, यहाँ पे बच्चे बोल रहे कि हमने देखा है, थ्री व्हीलर को देखा है। हाँ, तो 69% मार्केट शेयर उसमें बजाज। अच्छा, थ्री व्हीलर में 69% मार्केट शेयर है बजाज का। ओके, यस यस यस। और हम ग्लोबली सबसे बड़े थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। ओ हो हो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें भी लीडरशिप कैसे सस्टेन करना है, तो जहाँ हम लीडर नहीं है वहाँ लीडर कैसा बनना है, और जहाँ लीडर है उसको सस्टेन कैसा करना है, ये दो एस्पेक्ट हम लोगों के चलते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया है, मान लो कोई पल्सर आपने लॉन्च कर दिया, क्या उसमें भी आप बार बार कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाते रहते हो, या फिर जो प्रोडक्ट आ गया सो आ गया? नहीं, अभी तो कैसा है, जमाना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोगों को हर बार कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए, तो इसलिए हम हर साल हमारे अपग्रेड रहते हैं। एवरी ईयर हम हर साल में या मैक्सिमम टू ईयर में प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं। अच्छा, उसमें टेक्नोलॉजी भी रहती है और एस्थेटिक भी रहता है, जिसको कलर और ग्राफिक्स बोलते हैं। जी जी जी। तो आप आज का पल्सर देखेंगे, 2 साल पहले का देखेंगे, 10 साल का देखेंगे, तो उसमें ड्रामेटिकल डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, उसको हम अपग्रेड कहा जाता है। सही है सही है। तो अगर मान लीजिए, क्या हम इसको, अगर एक सवाल पूछे आपसे, आखिरी सवाल, आपका बहुत वक्त लिया, अगर कोई कंपनी दुनिया के हिसाब से अपने आप को ना चेंज करे, यदि वो स्टैटिक रह जाए, दे आर नॉट चेंजिंग देमसेल्फ, तो क्या होता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सच काइंड ऑफ कंपनीज? तो इसको हम बोलते हैं, इसका छोटा सा बुक पढ़ लेंगे कभी सब लोग, तो उसका नाम है हु मूव्ड माय चीज अवे। अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं और इनोवेट नहीं करेंगे तो आपका चीज इवेपोरेट हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि मेरा चीज कहाँ चला गया। तो वैसी कंपनी इवेपोरेट हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। अच्छा, द कंपनी डज नॉट मेक एनी चेंजेस, लेट इट बी ऑटोमोबाइल और एनी काइंड ऑफ सेक्टर, इफ दे डोंट चेंज तो वो कंपनी हो जाती है आउटडेटेड। यस यस, काफी एग्जांपल है हमारे सामने।
काफी एग्जाम्पल है, आपको दिखेगा कि मोबाइल के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर ऐसे कितने कंपनी है जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट हो गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आई थिंक बजाज ये सब करने में बहुत कामयाब रहा जमाने के हिसाब से, बजाज ने अपने आप को बदला है। बजाज के साथ में आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो एप्पल का आप ध्यान में रखो कि हर जो जो स्टूडेंट्स को समझने में भी बहुत इजी है कि हर साल 1 लाख रुपए के ऊपर का फोन नया नया लॉन्च करते हैं, लेकिन मिड टाइम तक लोग क्यू में खड़े रहते हैं उसका पहला दिन वो प्रोडक्ट एक्वायर करने के लिए। तो चेंज में ये ताकत रहती है, इनोवेशन में ये ताकत रहती है। राइट राइट राइट। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। अंकल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे यार कुछ तो बोला उन्होंने, बट आई मेरा ये बहुत बहुत ज्यादा इच्छा थी मुझे, बिकॉज बजाज कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी बोला ना मैंने जब उनसे बात की थी, बोले स्वप्निल जी हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता नहीं पैसे रखना का है। प्रॉफिटेबिलिटी उनका मोर देन 5000 करोड़ एवरी ईयर का आता है, 5000 करोड़ बोलते हैं ये हर साल पैसे कमाते हैं, और बजाज फैमिली को यही पता नहीं पैसे लगाए का। उन्होंने गलती से एक कंपनी चालू करी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, वो बजाज फाइनेंस ही इतनी बड़ी हुई कि उसके पास इतने पैसे हो उसको समझना नहीं वो पैसे कहाँ रखना। तो एक समय मैं वही बोल रहा हूं, जो कंपनीज देखो बहुत कंपनीज आती है जाती है, पर ये जो कंपनीज है जो अपने हिसाब से जो हमारा कॉन्सेप्ट करें बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट है, और जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है दे आर सर्वाइव्ड। आपने एक आपने ये सब जो एग्जाम्पल देखे अभी, आई होप आपको स्ट्रेटेजिक चेंज नाम का कॉन्सेप्ट अब समझ चुका है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। आज हम लोग उसके अंदर जाके एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, इधर देखना ध्यान से सभी लोग, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ। यहां पे मैं कुछ लाइन पढ़ रहा हूं 5.18 से, ओके शुड आई गो थ्रू। आप सभी जानते हो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग जिसका नाम है स्टिकी नोट। वो स्टिकी नोट क्यों यूज करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, एक होता है जो अपने नोटबुक पे लिखते हैं और एक जो होता है स्टिकी नोट पे लिखता है। आई वुड एडवाइस आप स्टिकी नोट पे लिख के वहीं पे चिपका दें। क्यों? बिकॉज वो नोटबुक पे लिखने से होता क्या है ना, वो बार बार आपको दो दो बुक रेफर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसका मैंने कहां लिखा था। जस्ट ऑलवेज बेटर आइडिया टू यू नो स्टिक द स्टिकी नोट्स ऑन द बुक इटसेल्फ, ताकि उसके रिलेटेड एग्जांपल्स आपको वहीं मिले। और आप सभी जानते हो एग्जांपल्स को याद नहीं करना पड़ता, वो दिमाग में घुस जाते हैं। मैं आपको अगर 30 दिन बाद भी पूछा ना आपको हमेशा याद रहेगा बजाज कंपनी का कोई तो बंदा आया था। इतना ही नहीं, एग्जामिनेशन के दिन भी आपको अगर याद आएगा जरूर तो ये फोन याद रहेगा। ये कोई भी चीजें जो आपके साथ में प्रैक्टिकल होती है वो आप कभी भूलते नहीं, इसलिए वी ट्राई टू मेक द एंटायर सब्जेक्ट वेरी प्रैक्टिकल बाय इंट्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। जो आपको लिखना है स्टिकी नोट पे लिखना है, सबसे पहले एग्जांपल यहां पे राइट डाउन गाइस, लिखो एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज हु डिड नॉट चेंज देमसेल्फ, एग्जांपल ऑफ कंपनीज। लाइव स्ट्रीमिंग वालों मिल जाएगी, तब तक आप किसी और जगह पे चिट्ठी लगाओ, जैसे किताब आएगी वहां पे चिपका देना, ओके। कंपनी एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज हु डिड नॉट चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट, एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड बिकेम आउटडेटेड। ये तमाम कंपनी के नाम है जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, बन गई आउटडेटेड। नंबर 1 BSNL, नंबर 2 कोडैक, नोकिया, एक्चुअल में कुछ नहीं किया नोकिया, कुछ भी नहीं किया इसने नोकिया। एम्बेसडर कार, पहले कार मतलब एम्बेसडर हुआ करती थी, हर पॉलिटिशियन के पास में एक कार एम्बेसडर कार, आज तो नामो निशान नहीं, खत्म हो गई एम्बेसडर कार। और कौन सा एग्जांपल? ब्लैकबेरी फोन्स, हाँ सही बोला।
विको वज्रदंती, कांग्रेस पार्टी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसता, पता नहीं जो भी है। दोस्तों यहां पे मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैं आपको स्ट्रैटेजिक चेंज का एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने शायद से लॉ क्लास में एक बार बताया था। 2020 में मार्च में कोविड लगा, आई वॉज एंटिस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जब मैं लोगों को ज्ञान दे रहा हूं तो आई शुड अप्लाई एवरी कॉन्सेप्ट इन माई बिजनेस टू। इधर के बच्चों का ध्यान रहेगा क्या, कुछ अलग ही कर रहे हैं। इधर देखो आप, जब मैं बोलता हूं ना तब लिखते नहीं है, इधर देखते हैं सुनते हैं। आप लिखने से नहीं सुनकर पास होगे, जब मैं बोल रहा हूं तभी लिखेंगे ना आप, जब मैं आपको बोलूंगा लिखो तब लिखोगे। इधर देखो, 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा और मैं गया यहां से मेरे होम टाउन औरंगाबाद में संभाजीनगर में, वहां पे गया एंड देन वन ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव सेड कि ये चाइना में जो आया हुआ वायरस है कोरोना जो है वो बहुत लंबा चलेगा। देन आई प्रेडिक्टेड अगर ये लंबा चलेगा तो लॉकडाउन होगा, तब क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत हो रही थी एंड आई थॉट कि बहुत लंबा चलेगा। और अगर मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं कि जब दुनिया बदलती है हमने अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो मैं बच्चों को बोलता हूं, देन व्हाई आई एम नॉट इंप्लीमेंटिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर माय ओन बिजनेस, देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। मैंने तब सोचा था, प्रेडिक्ट किया था कि अब हिंदुस्तान की अगर लॉकडाउन लगने के बाद में क्लासेस ही बंद हो जाएगी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्योंकि तब सिर्फ गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ही उपलब्ध था, लाइव स्ट्रीमिंग था ही नहीं। और मैं गर्व से अभिमान से कह सकता हूं I was the first one in the entire India to start live streaming classes. आप किसी से भी पूछ सकते हैं, I was the only one who thought of live streaming. सुन लेना आगे, मार्च में सोचा और महज 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर we have introduced the concept of live streaming classes. The first, very first batch of CA Foundation India में face to face. सुनो मेरी बात, and that was the reason where we got really, really, really great response in CA Foundation. उसके पहले भी हर्षद सर, अंकिता मैम और आनंद सर, तब से उसके पहले से भी बहुत अच्छे से CA Foundation पढ़ा रहे थे, पर हमारा नाम उतना नहीं हो रहा था 2020 तक भी, बल्कि CA Foundation तो 2017 से हमने चालू किया था, पर हमारा मार्केट शेयर ही था नहीं, बिकॉज CA Foundation में बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हर शहर में अपनी लोकल क्लासेस फेस टू फेस हुआ करती थी, and it was very difficult to get such market share because there was no one in the industry having good market share in CA Foundation online because people wanted to attend face to face classes for CA Foundation. हम 17 में मेहनत करें, 18 करें, 19 करें, 20 तक मेहनत करें, सफलता हमारे हाथ नहीं लग रही थी, नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, 2-5 करोड़, 6 करोड़, ठीक है, तो वी वर नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। अरे तो अब इतने लोगों के बीच में 5-6 करोड़ में क्या होएगा, इतने सारे फैकल्टीज है, खर्चे भी है फैकल्टी पे, क्या बचेगा हाथ में, प्रॉफिट तो निकलना चाहिए ना। आई वॉज सींग द सेल, आई वॉज नॉट सींग द प्रॉफिट। तो हम लोग को लगा क्या करें, तो वो एक बदलाव, एक मूवमेंट जिसने बदल दी हमारी सारी दुनिया, एक महीने के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग जैसे लाया, फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग बिकॉज सारी फेस टू फेस बंद थे, फर्स्ट क्लास के अंदर 2,800 स्टूडेंट्स वर वॉचिंग टूगेदर लाइव एक इसमें। और हमने कुछ, अर्चत सर ने कुछ अलग नहीं पढ़ाया, अंकित वैसे ही पढ़ाया, सिर्फ धंधा नहीं बदला, धंधे करने के तरीके बदले। SM सब्जेक्ट यही बोलता, धंधा नहीं बदलना, धंधे करने के, और वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सिर्फ मोर चेंज कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग एंड इट बिकेम सुपर ब्लॉकबस्टर। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से पूरा बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। दोस्तों क्या होता क्या है इसमें, आप कहेंगे सर एक छोटी सी चीज, वो मेरे लिए एक थॉट था पर बिजनेस के लिए सबसे बड़ी जीत थी। स्ट्रैटेजिक चेंज वो होता है, एक जो सोच होती है जो आपकी दुनिया बदल देती, वरना किताबें हम वैसे ही बना रहे थे, हमारे फैकल्टीज उतनी ही मेहनत कर रहे थे, आज हम लोग मेहनत उतनी ही कर रहे हैं पर सफलता उससे कई गुना ज्यादा है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक चेंज। एंड इफ आई डू नॉट, आप सोचो उनके बारे में जिन्होंने चेंज ही नहीं किया, सो मैं चेंज हुआ, आई वॉज द फर्स्ट। सर ने क्या बोला, अगर आप चेंज कर रहे हो और आप फर्स्ट मूवर हो, आप तो सारे इंडिया ने चालू कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग देखा देखी, पर उनको वो सफलता नहीं मिलेगी जितनी मुझे मिली, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगी, पर जो मेरा शेयर होगा वो उनको आसानी से नहीं मिलेगा, बिकॉज व्हेन यू बिकम द फर्स्ट मूवर देन यू आर ऑलवेज हैविंग द एज ओवर इट। यही वो अंकल भी कह रहे थे,
कि बोले कोई भी चीज आप बदल, देखो बदलना तो सबको ही पड़ेगा, पर अगर आपका किसी का देखे आप बदल रहे हो ना, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ये आपको ये सब्जेक्ट सिखाता है कि यू शुड बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। बोले ना कभी कभी हमारे दिमाग में आता नहीं ऐसा हो सकता है, फिर देन यू हैव टू ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर रिएक्टिव, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोएक्टिव, देन यू आर एबल टू गेट रियली लार्जेस्ट मार्केट शेयर। एबल टू अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं, कुछ देख रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाया राइट यहां पे, मैं पढ़ना चाहता हूं। द चेंजेस इन द एनवायरमेंट फोर्सेस ऑफन रिक्वायर बिजनेस टू मेक, क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज। क्या लिखा है, क्यों मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज दुनिया बदल रही है। आपको लग रहा है, अंदाज हो रहा है कि कुछ तो बदलने वाला है। एक बात कहना चाहूंगा, किसी को नहीं पता होगा, रिलायंस हर 10 साल में अपने बिजनेस की सारी दिशाएं चेंज कर देता है। आज 2023 में ना, 2033 में, 2033 में क्या लाना है ये रिलायंस को आज पता है। वो पूरे डायमेंशन ही चेंज कर देता है। आज तक का इतिहास से रिलायंस 10 साल में अपने पूरे बिजनेस की ज्योग्राफी 360 डिग्री बदल देता है। 10 साल पहले रिलायंस के नक्शे पे कहीं नहीं था कि टेलीकॉम से इतना रेवेन्यू आएगा। आज सबसे ज्यादा मेजर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? उसके पहले सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो ऑयल और वो उससे पेट्रोल से आ रहा था। आज अब आने वाले 10 साल बाद क्या आने वाला है, मोटा भाई ने वो सोच के रखा है और उसकी प्लानिंग अभी से चालू हो चुकी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अलग टाइप की चीज है भाई, हाइड्रोजन आने वाला है आगे, हाइड्रोजन की कार। मोटा भाई ने ऑलरेडी हाइड्रोजन पे काम चालू कर दिया, अभी तो हाइड्रोजन की गाड़ियां भी नहीं आ रही है, इथेनॉल की गाड़ियां भी नहीं आ रही। अरे उन्होंने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया भाई। यही तो होता है ना आपको ये, और जो ये काम कर लेता है, जैसे देखो ओला को टैक्सी से लॉसेस है, पर ओला को बाइक से प्रॉफिट है। ओला ने बहुत पहले से टू व्हीलर का प्लान कर लिया था। ओला टैक्सी को बहुत लॉस है इंडिया में, पर ओला के टू व्हीलर्स मस्त पैसे कमा रहा है, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है ना उनकी, बिकॉज यही तो फायदा होता है आपका। जब आप नए नए सबसे पहले मार्केट में आ रहे हो, अरे जब हीरो होंडा जो इतने सालों से कंपनी है, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाई और ये बंदा अपनी ओला की कंपनी लॉन्च कर चुका है भाई। ये होता है, आपको चेंज होना पड़ेगा। और वो टीचर्स जो उस जमाने में अपने आप को बदल नहीं पा रहे, दे आर बिकमिंग ऑब्सोलीट आउटडेटेड। मैं कुछ पुराने टीचर्स से पूछता, वो क्या करते हैं, सारा इल्जाम बच्चों के माथे पे लगा दे। आजकल के बच्चों को पढ़ाना जमता नहीं। बोले क्यों नहीं जमता? बोले उनके कुछ अलग ही चलता है। मैंने कहा उनका अलग नहीं, वो बच्चे आज अलग है, पहले बच्चे पैदा होते थे, आजकल डाउनलोड हो रहे हैं। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बदलेगी नहीं तो तुम क्या उनके मन पे तुम्हारा कब्जा है? उनको मत बदलिए, अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलो। मैंने कहा क्लास में ह्यूमर करना पड़ेगा, बच्चों को चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। कुछ फैकल्टीज को क्या नहीं, उनको क्या लग रहा है सब ह्यूमर ही ह्यूमर है, ऐसा नहीं होता है। फैकल्टी में यह समझ होना चाहिए कि कितना बस उसको ह्यूमर को छू के टक करके वापस आ जाए। आपने ह्यूमर भी क्रिएट किया, वापस कॉन्सेप्ट पे आ गए। बच्चों को बोर भी नहीं होना चाहिए। अब ये अपने अब अगर आप बहुत ही ट्रेडिशनल टीचर के तो आप हौले बन जाओगे। लोग एसएम में ऐसा सुला सुला के मारते ना आपको, इट इज वेरी बोरिंग। एक्चुअली इट्स नॉट बोरिंग, यू हैव टू चेंज द वे यू टीच। इधर देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ खास लेकर आया, स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ व्हाट, क्या लिखा है, कॉम्प, आप बात मत करो वही बेहतर है। स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन न्यू मार्केट प्रोडक्ट सर्विसेज न्यू वेज ऑफ। अगर मैं वही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, वही प्रोडक्ट और वही, तो काय का स्ट्रैटेजिक चेंज किया मैंने? तो मैंने चेंज करता हूं मतलब मैं क्या करता हूं, अब मैं पहले बजाज पल्सर था, अब मैंने क्या लाया, चेतक लाया, तो मैंने क्या लाया, नया एक प्रोडक्ट लाया। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कम ऑन, अब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस लाई, तो मैंने एक नया प्रोडक्ट लाया। अरे बोलो यार, अरे बच्चों बोलो। तो हर कोई समय पे आपने आपको, अच्छा सर्विसेज की बात कर लेते, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के सर्विसेज से अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और वो सर्विस, एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। अरे वो बैंक के वेबसाइट पे आपको इन सारी चीजों की सर्विसेज को मिलेगी, जो आपको एक पहले बैंक की वेबसाइट पे को दो चार ही चीजें हुआ करती थी, आज बैंक में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप चाहते और नहीं मिलती। दे आर चेंज देमसेल्फ एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यहां पे आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज। मुझे आपको इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना है, मेरे पास देखो, मैं आज आपको लेके जा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है टाटा। आपसे अगर आपके किसी के पास में इलेक्ट्रिक कार है,
एनीबडी हैविंग इलेक्ट्रिक कार कार करंटली आई एम यूजिंग MG ZS नाम की इलेक्ट्रिक कार मैम ने ली है, मुझे चलाने मिल जाती कभी अभी। आपके पास कौन सी बेटा? XUV 400 मतलब किसकी है, कौन सी कंपनी? महिंद्रा। अच्छा वो XUV वाली है। ओके इधर किसके पास थी बेटा? आपके पास कौन सी है? BMW की इलेक्ट्रिक कार है आपके पास? थोड़ी चलाने मिलेगी, एक चक्कर देना। आओ इधर आओ, आज हमारे बीच में BMW वाली लड़की है, आओ पूछ लेंगे। आओ इधर इधर, नहीं मतलब क्या इधर आना पड़ेगा? नहीं मतलब कैसे नहीं आओगे, इधर आना पड़ेगा। माइक दो भाई। बेटा आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिए। आपने अभी अभी कुछ कार का जिक्र किया जी, जरा बताइए कौन सी कार है? BMW EV। BMW EV है। मेरे पास BMW जो GT है पर वो ऐसे इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती, क्योंकि 2016-17 में बिना बॉट इट तब इलेक्ट्रिक कार थी नहीं। right. आपने कब बाई की? Few months back yeah. आपने बाई की? yeah. कहाँ से है आप? नागपुर से है। ओ हो हो, गाड़ी पुणे से गई है पर। गाड़ी पुणे से नहीं है? अरे ऐसे क्यों किया आपने हमारे साथ में? यहाँ की गाड़ियां उधर ले जाते हो आप, ऐसे मत करो। दोस्तों इन्होंने गाड़ी ली पुणे से, इस्तेमाल करते हैं नागपुर में, इनकी गाड़ी का नाम है BMW EV। आज नहीं नहीं आज सुनना होगा, BMW से लेकर हर कोई कार, चाहे मैं किया की बात कर लूं, चाहे हुंडई की बात कर लूं, चाहे होंडा की बात करूं, एवरी कार वॉन्ट्स टू हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक कार। बेटा आपका नाम क्या? अफशा। AFSHA। यस अफशा। यस अफशा, कौन सा मॉडल नेम चाहिए? देखो बेटा डायरेक्ट पूछ ले बेटा, उनका पूछ बेटा, क्या पूछ रहे? वो नहीं पता मुझे, मैं फोटो में देख के बताती हूँ। और कुछ सवाल पूछना तो पूछ ले, कब से हौले से कर रहा है मुझे, मुझे बात कर ले, मैं 2 मिनट के लिए बात, तू पूछ ले, आ जा इधर, तू पूछ ले। हमारे बीच में अफशा ही यहां पे, सभी लोग ध्यान दे। आपका नॉलेज आई डोंट नो कितना, आप गाड़ियों में इंटरेस्ट रखती हो? थोड़ा। हाँ। वैसे आपको क्या लगता है भारत देश में सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी कंपनी है? क्या आप इसके बारे में कोई नॉलेज रखती हो? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। okay. ह्युंडई, किया, टोयोटा, टाटा। टाटा टाटा सोच के जवाब। यस सर। टाटा। हाँ। लॉक किया जाए। 7 करोड़। दोस्तों मार्केट शेयर, वैसे एक सवाल मैं पूछूंगा, जो जवाब देगा वो बहुत आगे जाएगा। आज का पहला गोल्ड मेडल क्वेश्चन आपको जवाब देंगे, तो आपको यहां पे जवाब देना है मुझे आके, इट इज अबाउट ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जिसको नॉलेज है वही हाथों पर करें। एक बंदा ऑटोमोबाइल नहीं, कार इंडस्ट्री बात करो। 1, 2, 3, 4। वो तो मैं यहां के आके डिसाइड करूंगा ना सर, पहले पूछ लो ऐसे कैसे। ऑटोमोबाइल के अंदर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। भारत के अंदर सबसे, आप में से उधर उधर भी कोई जवाब देना, अन्ना कम यार, कौन है, क्या नाम है इनका? अरे आ जाओ, अच्छा आ जाओ, आप बताओ बेटा। जी सर। आपको ऑटोमोबाइल यानी कार्स का नॉलेज है? हाँ जी सर है। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। अरे हो, क्या नाम है जो आपका? चंदन। चंदन को उड़ीसा के लिए जोरदार आ रहा। चंदन जी आप देखते हैं, इसका कोई हेल्प नहीं करेगा,
इसको पहले ही मैं मेडल पहना देता हूँ, मुझे लग रहा है जीतने वाला। प्रेशर मत कीजिए। अगर अगर आपने गलत जवाब दिया ना तो देख लेना आप। आपको बताना है भारत देश के अंदर के सबसे ज्यादा चलने वाली यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन सी कार का जवाब देंगे? मार्केट शेयर, मार्केट शेयर कौन सी कार का सबसे ज्यादा? भारत की ना? भारत के। मारुति। सोच के जवाब देना। मारुति सुजुकी। टाटा। नहीं टाटा नहीं, मारुति। टाटा। मारुति सर। टाटा। मारुति। टोयोटा। नहीं सर मारुति। होंडा। नहीं मारुति है सर। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। सुपर बेटा, थोड़ी देर पहले आपने टाटा का नाम लिया, ये मारुति बोल रहे, क्या कंफ्यूजन है दोनों के बीच में? अच्छा जवाब दो। हाँ आप बताओ, सही बोल रहे हो। डिफरेंशिएट बिटवीन ईवी एंड नॉर्मल पेट्रोल इंजन, यानी कि ईवी के अंदर भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाली कार टाटा, और नॉर्मल मार्केट शेयर कौन से कंपनी का सबसे ज्यादा? मारुति। आपके हिसाब से लगभग मारुति का मार्केट शेयर कितना होगा अंदाजन? अंदाजे में ऑलमोस्ट 25 से 30 तक। तुम्हारे शब्दों ने मारुति कार की इज्जत लूटी है सर। फिर ऑलमोस्ट 35 से 40% होगा सर मेरे हिसाब से। और इनका जवाब सही है। ये देख लिए मार्केट शेयर ऑफ कार्स इन इंडिया, ये देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे, भारत देश की सबसे ज्यादा चलने वाली कार्स ये। चलो 22 का भी चल जाएगा, नॉट एन इश्यू। क्या लिखा है यहां पे देखिए, भारत देश की सबसे ज्यादा चलने वाली कार में से एक मारुति सुजुकी हैविंग 40% मार्केट शेयर। 100 गाड़ियां बिकती है तो 40 बिकती है मारुति की, और पूरा हिंदुस्तान 60% में बाकी गाड़ियां खरीदता है। लेट इट बी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, जो भी चाहिए, टोयोटा, टाटा, सब मिला के देख रहे हो, पर टाटा 14.5% दोस्तों। अब बात बहुत ध्यान से सुनने की है, अगर मैं इस साल का देखता हूं तो ये सब है, ईवी नॉन ईवी सब है, और अभी एक्चुअली मारुति का कोई ईवी ढंग से लॉन्च हुआ ही नहीं अब तक। अभी ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, टाटा मार्केट शेयर इन ईवी, किधर गया भाई, क्या लिखा है? टाटा मोटर्स 72% टैक्स इन इंडिया, ईवी मार्केट 72% टाटा के हवाले है। सोचने की बात है, अगर अभी देखना मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं कॉन्सेप्ट के अंदर मैं अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा, फिर आप में से कोई मुझे बताना, 501 रुपए का इनाम आपको देंगे। एग्जांपल क्या है वो पहले समझ जाना, उस एग्जांपल को कनेक्ट करना इस कॉन्सेप्ट के साथ में। यहां पे लिखा है पहले तो आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, हां फिर आपने क्या रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अरे अपनी तो वाट लग गई, ऐसा फील होना अंदर से। फिर आप उसके बाद में 0.2 करते हो, फिर उसके बाद में 0.3 करते हो, ये आपका क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको अभी कुछ दिखाने जा रहा हूं, ये कौन से साल का मार्केट शेयर है बेटा? 2022। हाँ जी 22 का। आपको पता है, आप दोनों से सवाल है, 2016-17 में 18 में टाटा का मार्केट शेयर कम था कि ज्यादा? कम था सर। कम था क्यों सर? तब इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं, कंबशन, यानी कि टाटा की वाट लग चुकी थी। मैं लिखता हूं यहां पे, देखना भी मार्केट शेयर ऑफ कार्स इन इंडिया 2016-17 कर देते, कुछ तो 2017 कर दे, देखिएगा 2017 की इमेज में आपको दिखा रहा हूं, यह है 2017 का उम्मीद कार्य है भाई, क्या है? हाँ, इसमें कई तो नाम लिखा है टाटा, देखो ये कलर में टाटा है बेटा, देख रहे थे कोई कलर दिखते क्या? ये कलर किसका है रे? टाटा 1% सर, इट वाज ओनली 1% मार्केट शेयर वाज बिलोंग टू टाटा। नहीं नहीं वो यहां से आपको सुनो ना, अरे यार बोल रहे उनको कौन सा कलर बेटा, तुम्हें कलर समझते है? ये टाटा का कलर वाला कौन सा है? वन है, वन उसमें नहीं दिख रहा है ये जो है ना बेटा, ये अलग कलर है, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे फोर्ड इंडिया 1%। अच्छा कोई बात नहीं, टाटा मोटर्स 6% होगा। टाटा 6%, और आज है टाटा ये 14 तो 2022 का है, आप तो टाटा 16 पे बिलोंग कर रहे हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे मार्केट शेयर देखो मारुति का कितना है,
और इधर का मार्केट शेयर देखो, ये कितना है? आप समझ पा रहे हो कुछ? यानी कि मारुति की लग चुकी है, और वो मारुति कंपनी जिसने भारत देश की सबसे पहली बार कार बेची, नाम था मारुति 800, भारत की सबसे पहली कार बेचने वाली कंपनी, इसका नाम है मारुति सुजुकी। ऐसे कंपनी जिसका मार्केट शेयर पहले 60% से भी ज्यादा हुआ करता था, आज दोस्तों कुछ सालों पहले जिसका मार्केट शेयर 50 था, आज बातों ही बातों में देखो क्या से क्या हो गए, कितना मार्केट शेयर हो गया अभी। अरे बोलो यार। और जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ये बात जब सुनी इन्होंने, ये देखो मारुति के क्या नाम उसका, मारुति का कौन है वो सीईओ, मारुति का एमडी लिखता हूं मैं, मारुति सुजुकी के एमडी, नाम तो सुना होगा। और एक ये आया नया है अभी, ये क्या नाम का, हिसाशी टिकोची बेटा क्या नाम इधर पढ़ो, ये हिसाशी टेक्योची, नहीं नहीं टेक ऊंची, टेक ऊंची, ओके टेक ऊंची ऊपर लेके जाएगा सर, बहुत ही हाँ बहुत ऊपर जाएगा बेटा, ऐसा ही लोग अच्छी है दोस्तों। ये जो नाम है, एक सुनो ध्यान से, इसके पहले उनके पुराने हुआ करते थे यो, क्या नाम था वो अंकल का, वो क्या था उनका नाम मारुति के, व्हाट वाज हिज नेम, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, लिखवा कुछ, एनीवेज अंदर सुनो जरा ध्यान से, मुझे बता दो हिसाशी टी को टेकूची को दर्द तो हुआ होगा, मुझे बताओ इसके बाद में आपके सामने एक सवाल है, आप अगर समझो टेक ऊंची है, आप हिताची टेक ऊंची है, आपके पास में जब आपको समझा अपना मार्केट शेयर गिर रहा है, पहले 60 था वो 50 पे आया, 50 से 40 पे आया, आप बताओ आप उसके बाद में क्या करोगे। आपके जानकारी के लिए, आपके आप जब मुझे जवाब दोगे बेटा, ईवी जो है जी सर, मारुति इज लॉन्चिंग, मारुति लॉन्चिंग ईवी इन 2025, मारुति यूवी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च इन 2025। आपसे मेरा प्रश्न है, क्या टेक ऊंची ने कुछ अपने आप को चेंज करने का सोचा है? ये वो ऑटो एक्सपो था 2023 का, जहां पे आपको था एक्सपो में क्या होता है, वो सिर्फ डेमो वर्जन दिखाते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि ऐसा आने वाला है, ये कार अभी जनहित में जारी नहीं है। आज जरा आप मुझे, आपका समय शुरू रहा है, ₹500 मिलेंगे, और ये आज का जो मेरा प्रश्न है कपल मूवी, कपल क्वेश्चन है, सिर्फ जो आएंगे कपल में ही आना, वैसे दो लड़के भी चलेंगे, चॉइस आपका है, दो लड़कियां भी चल सकते, हाथ से आप हंस रही हो, और ये दोनों डिसाइड करेंगे कौन से कपल को उठाना है, यू बोथ डिसाइड हु शुड कम हियर फॉर आंसर दिस। और मैं आपको पता है क्या, आपको, आप जो लोग जल्दबाजी में, आप सब गलत जवाब दोगे। अरे सुनो, ये क्वेश्चन आज तक आईसीए ने 3 बार पूछा, सुन लो मेरी बात, ये क्वेश्चन आईसीए ने आज तक 3 बार पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट बेटा, स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप्स कौन से, सबसे पहली बात आपको रिकॉग्नाइज होता है, यानी आपको कुछ ध्यान में आता है, फिर आप क्या करते हो, आपका विजन शेयर करते हो, और फिर बाद में क्या करते हो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करते हो। आपको एग्जाम्पल है टाटा मारुति का, और पर्सपेक्टिव है मारुति का, कि मारुति को कुछ तो रिकॉग्नाइज हुआ, अरे यार क्या हो रहा है ये, अरे ये यहां से शुरुआत होगी, आपको 3 स्टेप वहां से लेट करना है, अच्छे से पढ़ना फिर ही जवाब देना, बिकॉज क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, पहले रिकॉग्नाइज होता है, फिर विजन को शेयर किया जाता है, और फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कि इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, सोच के जवाब देना, दो लोग दो साथ में हाथ ऊपर करना, ए बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, अकेले में नहीं चलेगा, आप दोनों डिसाइड करेंगे पहले, आपको क्या लगता है किधर से, नहीं आपको जवाब ये डिसाइड करना है, दोनों पहले डिसाइड करो, वो अलग बोल रहे तो अलग बोल रहा है क्या, दोनों डिसाइड करो सर, दोनों एक एक को बुला रहे हो, वहां से एक वहां से, ऐसा हाँ सर, आप किसको बुला लो, मैं यहां से बुला लो, वो
आंसर देगा आपको श्योर है? आपको कैसे पता आंसर देगा? इधर आओ सर, क्योंकि वो रो में बैठ रही हूँ और वो ही चिल्ला चिल्ला के आंसर देता है और करेक्ट देता है। अगर आपने गलत जवाब दिया ना, ये क्लास से बाहर जाएगी। आपने गलत जवाब दिया, आज आपसा क्लास से बाहर। इधर आ जल्दी जल्दी, इधर आ। हाँ, तेरा रिकमेंडेशन बोल। लड़की चाहिए, लड़की, लड़का नहीं चाहिए, बोल अभी जल्दी बोल। लड़की कोई तो हाथ नहीं उठा रहे सर। एक ही लड़की ने हाथ उठाई। इधर देखो, इधर भी देख, इधर कौन सी लड़की दिख रही है? इसने गलत जवाब दिया ना, तू मेरे तो बाहर जाएगा। एक ही ने सही जवाब देगी? मेरे को थोड़ी पता है सर कौन कैसा जवाब देगा, मैं किसी से थोड़ी बात किया हूं अभी। पर तूने उसको क्यों उठाया? नहीं नहीं, तू इंडिकेट क्या करना चाह रहा है? मैंने थोड़ी ना बात की, वो चाह रहा है कि आप बात करें उससे, फिर वो आपको समझेगा कि आप कितनी बुद्धिजीवी है। राइट सर, उनका आईक्यू कितना है उनसे बात करने के बाद तो पता चलेगी ना सर। तो क्या चाहते हो आप? यहाँ आएंगे तो पता चलेगा, अगर होगा तो बाहर जाओ। सर साथ में बैठ जा। आजा। ये गलत जवाब दिए तो दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इधर आओ। ऐसा क्या करते हैं लड़की आपके ऊपर यकीन कर लेती है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार आपसा के लिए भी ताली बजा दीजिए। आपसा, थैंक यू सो मच कमिंग हियर एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत आगे जाएंगे, पर आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप दो मिनट के लिए दोनों बाजू में आ जाए, उधर जा रहा थोड़ा सा, उधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। यू नो द क्वेश्चन? आप जरा अपना नाम बताइए, आप भी बताइए। अंशुल। कहाँ से है आप? चंद्रपुर। अंशुल फ्रॉम चंद्रपुर हमारे बीच में उपस्थित है। दूसरा आपका नाम क्या है? इंशा। इंशा, इंशा आप कहाँ से है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इंशा फ्रॉम यूपी। सबसे पहले आप दोनों बताएंगे, आप जवाब देंगे सबसे पहले। रिकॉग्नाइज द नीड, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, यानी अगर कोई कंपनी है जो पहले उसके पास इनोवेशन था पर अभी वो उसके डिक्लाइन पोजिशन में जा रही है। तू बोल ना, तू बोल। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीन स्टेप समझाना है, टाटा और मारुति का एग्जांपल लेके। ओके। और रिकॉग्नाइज करने वाला मारुति है, मारुति। ओके। आप बोलो, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो थोड़ा सा। ओके। एक मिनट, लिसन, देखो। ये गलत जवाब देगा ना तुम यहाँ पे शूट आउट एट प्रेस्टीज पॉइंट हो जाएगा। सुनो, देखो मारुति, माइक पास में रखो। हाँ देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल मारुति है हमारे पास, पहले हमने देखा हमारे इंडिया में जो पहली कार आई थी वो थी मारुति 800। उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए जिन्होंने नया नया इन्वेंशन किया, इनोवेशन लाया, ठीक है। पर अभी ऐसा टाइम आ गया कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है और उसके पास अभी ईवी है नहीं। तो पॉइंट पे पॉइंट पे आप बोलो। तो ये टाइम पे मारुति ने क्या करना चाहिए, उसने करना चाहिए स्वॉट एनालिसिस, उसने देखना चाहिए कि उसके अंदर कमियां क्या है और उन कमियों को उसने, आप बताओ ऐसा क्यों मारुति कर रहा है? ताकि वो अपने नहीं, इस समय मारुति को क्या दर्द हुआ है, क्या प्रॉब्लम है मारुति को? सेल्स परसेंटेज गिर चुका है ना, यानी कि हाँ जी क्या बोल रहे हैं, मार्केट शेयर गिर गया 51 से 40 आ गया। हाँ। अभी ये रिकॉग्नाइज किया, सही पॉइंट पे आया। ये आपका चिंटू आंसर घुमा रहा है मुझे, ठीक है ना दोस्तों। 50% से मारुति का शेयर बोले क्या हुआ, 40 हो गया। ये अच्छी बात है गंदी बात? गंदी बात है, यही तो रिकॉग्नाइज हुआ ना। अच्छी बात नहीं है, अब तो डर लग रहा है कहीं उठना चाहे मार्केट से। अरे 40 का 30 हो जाएगा और 30 का 10-20 हो जाएगा और हम तो लिखो सबसे पहले वो क्या नाम, टेकुची रियलाइज्ड, क्या नाम था उस बंदे का, हिताची टेकुची। क्या नाम उसका, आरसी भार्गवा। हाँ देखो, ये नाम अपना इंडियन याद रहेगा आपको, आरसी भार्गवा। ये है आरसी भार्गवा और ये देखो यही है मारुति के एक्चुअली चेयरपर्सन है। लिखो वहां पे आरसी, देखो दादाजी, ही इज द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मारुति, आरसी भार्गवा एंड हिताची टेकुची, दोनों का नाम लिख दीजिएगा। सर कहां लिखना है? सुनो गंदे, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, आप क्या करोगे वहां पे लाइन लिखो, वहां पे इतनी जगह ही नहीं कि आप जो मैं बोलूंगा उसकी जगह नहीं है वहां पे। इज्जत से चिट्ठी लगाओ और वो चिट्ठी पे लिखो Roman 1 और जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, किधर भी गंदगी मत करो।
अच्छे से लिखो यार, मैंने किताब आपको दी है, सुंदर रखी है उसको, है ना बेटा? हाँ लिखो हिटाची टेकूची। अरे तुम हिटाची टेकूची लिखो, तुम्हें क्या करना है? और दूसरा लिखो आरसी भार्गवा। अरे टेकूची तो आसान है, टी ए के ई टेक ऊंची ऊंची एंड आरसी भार्गवा रियलाइज्ड। क्या रियलाइज्ड हुआ? लाइज द मार्केट शेयर ऑफ मारुति। मार्केट शेयर, अगला पॉइंट की तैयारी कर लेना भैया। कौन डिसाइड? आप दोनों डिसाइड कर लो। मार्केट शेयर ऑफ, रियलाइज दैट मार्केट शेयर ऑफ मारुति हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 40%, हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 टू 40%, फ्रॉम 50 टू 40%। ये किसने रियलाइज किया? इन्होंने सिर्फ रियलाइज किया। सुनो कौन रियलाइज करता सबसे पहले, हेड वाला। इधर देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोस, डायग्नोस समझते हैं, आपकी बॉडी डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो ना, हम अपने कंपनी को डायग्नोस करते हैं। विच फेसिट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर और स्ट्रेटेजी सपोर्टिव और विच आर नॉट, यानी कि हम लोग सही जैसा कल्चर है वैसी गाड़ियां बना रहे हैं या हम कुछ अलग ही बना रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअल में कुछ अलग ही बना रहे हैं। लोग ईवी मांग रहे हैं हमारे दुकान पे, हमारे पास ईवी है ही नहीं, तो लोग टाटा की दुकान से खरीद रहे। सुन लो इधर, द बेसिकली मीन्स ऑफ गोइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। मुझे तो स्कैन क्यों करना है बताओ? ताकि हम जान सके कि हमारे कंप्यूटर्स हमारे बारे में क्या कर रहे हैं। नहीं भाई, 50 में से जब 40 हो रहा है तो ऐसा क्या हो क्या रहा भाई? लोग जा रहे कहां? अरे क्या हुआ क्या है भाई, मैंने क्या गलत कर दिया? मैं तो अच्छी कार बनाता हूं। स्कैन करो, जानो। अच्छा अब क्या समझे भाई स्कैन करके? ईवी नहीं ला रहे, ईवी आ रहा है हमारे पास, जो ईवी नहीं है। और इनकी एक प्रॉब्लम है आपको बताऊं, और एक टाटा की प्रॉब्लम, जो लोग गाड़ियों को समझते हैं, टाटा इज वेरी वेरी फेमस इन हैचबैक। टाटा इज नॉट फेमस इन एसयूवी एक्सयूवी। हैचबैक यानी जिसको डिग्गी नहीं होती, छोटी सी कॉम्पैक्ट, i10 ब्रियो नैनो ऑल्टो, जिसको नहीं क्या डिग्गी नहीं होती, उससे बड़ी आती है सिडान जिसको डिग्गी होती है, ऐसे लंबी फ्लैट होती है। फिर आजकल सिडान और हैचबैक का जमाना चल गया, और मारुति वाज नॉन फॉर सिडान एंड हैचबैक बोथ। आजकल जमाना है एक्सयूवी एसयूवी, जो नहीं कि हाइट में ऊंची होती है, जैसे आपने थार देखी होगी, थार जैसे MGZS देखा होगा, नेक्सॉन देखी होगी। आजकल जमाना चल रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवी का, मतलब एसयूवी तो भी नहीं क्या बहुत वो होती है, जैसे कि आपने लैंड क्रूजर देख लिया हो, वो हो या? ये उतनी बड़ी भी नहीं। आजकल नया कौन सा चल रहा है? कॉम्पैक्ट एसयूवी। और जो लोगों को पसंद है वो नहीं क्या कौन सा क्रेटा वगैरह जो जो आता है, ये सारी गाड़ियां मारुति के पास में थी ही नहीं, तो उनको लगा भाई स्कैनिंग करने में साला जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमारे पास तो है ही नहीं, ना हमारे पास में एसयूवी है, ना हमारे पास में ईवी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है। स्कैनिंग किया, इनवॉल्व्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज आपने लगाया थ्रू द सॉट एनालिसिस देन डिटरमाइनिंग वेयर द लैकुना। लैकुना मतलब क्या है? कि हमारी कमजोरी क्या है, क्या कमजोरी? लिखो आप कमजोरी के दो निशाने, नो एसयूवी, नो ईवी, नो एसयूवी, नो ईवी, यही तो दर्द हुआ मैं। अच्छा ये बताओ, आपने अब दर्द समझ लिया, ये क्यों जरूरी है? क्रिएट अ शेयर्ड विजन। इसको बंद मत करिए। हाँ जी बोलिए। सर हेड ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये कमी है, हमें ये सही करना है, लेकिन उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों भाई? मेरा नाम आशी भार्गवा है, ओनर हूं मैं, कमाल करती हूं मैं, क्यों किसको बोलूं? क्या भाई इधर देना माइक जरा, मैं क्यों क्यों बताना चाहिए किसी को? सर बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सब सब लोग मिलके डिसीजन लेंगे। और नहीं नहीं मैं अकेला लूंगा, नहीं होगा सर वैसा। क्यों नहीं होगा? मैं चेयरपर्सन हूं, चेयरपर्सन। नहीं सर ये नहीं बोल रहे। हाँ जी बताओ, बताओ मेरा आंसर बताओ। हमको सब पूरे ग्रुप के टीम के साथ मिलकर करना पड़ेगा क्योंकि कोई एक आदमी खुद सब कुछ नहीं कर सकता है। सही, एक बार जोरदार डाले, क्या बात है, सही है, सही है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप बच रही हो दोस्तों, एक अकेला आरसी भार्गव के सोच से मारुति नए ऊंचाई पर नहीं जा सकता, सबको बोलना पड़ेगा। हमारी वाट लग रही है, आपके पास में है कोई सुझाव? ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? अरे बताओ हमने आगे और क्या करना चाहिए? अरे इससे पहले हम बर्बाद हो जाए, बिफोर इट्स टू लेट, जागो, वरना ये टाटा ले रहा है हमें। ये 1% से 6% से 15 पे पहुंचा है, नाम है इसका टाटा, ये हमें कर देगा टाटा।
ये टाटा आप जानते हैं लोगों का जितना विश्वास मारुति ने टाटा पे, टाटा एक ब्रांड वैल्यू है, टाटा एक ट्रस्ट है। वो देखो किसी और कंपनी से नहीं, टाटा से बहुत डर है और टाटा इनके टेरिटरी में घुस रहा है, इसे डर है। अब जरा क्या लिखा शेयर विजन, इसने ये बात नहीं किया अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताई, शेयर होल्डर्स को बताई, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बताई कि अब बदलने का समय है। आज सब लोग अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया तो बताओ, तो सबने बोला चलो चलो भैया अब ईवी लाओ। तो अच्छा बताओ आरएनडी को क्यों शामिल करना है शेयर विजन में? अबे आरसी भार्गव अगर सोच भी ले तो बताओ क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आरसी भार्गव बस सोच सकता है, पर उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट तो आरएनडी टीम ही कर सकती है ना, क्योंकि उनके पास इंजीनियर्स है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, क्योंकि जो इंजीनियरिंग टीम है और जो इनोवेशन ला सकती है वो तो आरएनडी ला सकता है ना। आरसी भार्गव को सबको नजर में रखना पड़ेगा और सबके साथ में डिस्कशन करके डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी, क्योंकि अगर मैं सोच भी लू तो प्रोडक्ट थोड़ी ना आ जाएगा मेरे अकेले के चाहने से। तो इसीलिए दोस्तों ईवी बनाने का भी यहाँ पे प्लान हुआ, या बन गई ईवी? बन गई है। 2025 में आ जाएंगी। सॉरी ये क्या कह रहे हैं? प्लान चालू है। हाँ जी, उनका जो मॉडल है जो उन्होंने अपना शो में बताया, अगर यही पे ही तुम ईवी लेकर आ जाओगे तो पॉइंट नंबर 3 में क्या अचार डालोगे? नहीं नहीं अभी अभी नहीं नहीं, आप बोलिए सही बोल रहे हैं कि गलत नहीं बोलिए? गलत बोल रहे हैं सर। आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। आप बताओ सर ये थर्ड स्टेप में करेंगे कि हम उस चेंज, ये सेकंड में क्या ले रहे हो आप? देखो सेकंड में आपने सोचा कि ईवी बना लेंगे, भैया चालू कर दो यार काम, चलो रे चलो रे करो रे करो रे, ईवी बनाओ रे, अच्छा डिजाइन बनाओ रे, अच्छे एसयू बनाओ रे, सबको मोटिवेट किया, इनकरेज किया, सबको काम पे लगाया पॉइंट नंबर 2 में, और 3 में कर डाला। हाँ। 2025 में वो एसयूवी ईवी लाएंगे। यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है कि एक्चुअल में ईवी आ गई है, एक्चुअल में एसयूवी आ गई है, ये होता है पॉइंट नंबर 3। अच्छा तो 2 है तो 3 क्यों? आई मीन पॉइंट नंबर 2 है तो 3 की जरूरत क्यों है? सर पॉइंट नंबर 2 में तो सिर्फ डिस्कशन किया, एग्रीमेंट हुआ है, अब उस पे काम थर्ड में कर रहे हैं ना, काम एक्चुअल फाइनलाइज तो थर्ड पॉइंट में हुआ, मतलब आपकी ईवी तो थर्ड पॉइंट में आ रही है। आप सहमत हो जो बोल रही है? थोड़ा नहीं, क्योंकि सेकंड में उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया और उन्होंने बनाना अपने आरएनडी को बताया कि आप डेवलप करिए, और थर्ड में आखिर में जब उन्होंने सेकंड स्टेप में जब उन्होंने आरएनडी ने कुछ डेवलप कर लिया है तो वो थर्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कार कहाँ पे आएगी, 2 में या 3 में? 3 में आएंगी। 3 में आ जाएगी? यस, कार 3 में आ जाएगी, ईवी नाम की कार 3 में आ जाएगी, एसयूवी नाम की। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एग्जाम्पल जब आप लेते हो और उससे कनेक्ट कर लेते हो ना, ये भूलने की बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है रिकॉग्नाइज नंबर 1, रिकॉग्नाइज नंबर 1, नंबर 2 शेयर विजन, नंबर 2 शेयर, नंबर 3 क्या है? दिस इज नॉट द वे टू लर्न एसएम बेबी, एसएम ऐसा नहीं समझाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो इसके अंदर घुसेर दो, ये जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में घुस जाएगा ऐसे ही। समझ आ रहा है? अब जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बताओ शेयर विजन, किसने विजन शेयर किया? लिखो आरसी भार्गव एंड टेक ऊंची शेयर्ड, पॉइंट नंबर 2 के लिए लिखिए आरसी भार्गव एंड टेक ऊंची शेयर्ड। क्या शेयर्ड किया मैंने? शेयर्ड विजन विथ किसके साथ में? मैनेजमेंट टीम कॉमा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बेबी सबको एक्सेट्रा कर दीजिए। उन्होंने अपना विजन शेयर किया। अब देखो मैं पढ़ रहा हूं आपके बुक से, ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। मतलब आरसी भार्गव जो बोल रहा है उसको सिर्फ अकेले को फील नहीं होना चाहिए, बाकी सब लोगों को भी फील होना चाहिए वो सही बोल रहा है। वो बात और है, इनिशिएटिव किसने लिया? पर ये क्या लिख रहा है? इंडिविजुअल यानी कि आरसी भार्गव एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बाकी लोग शुड व्हाट? क्या यानी कि दोनों के मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए, तालमेल हो जाना चाहिए। देयर शुड बी क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? नो 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 कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए? आरसी भार्गव और बाकी लोगों में, आरसी भार्गव में और आरएनडी में कॉन्फ्लिक्ट था? आगे नो कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉलो। क्या लिखा है? फॉलो शेयर्ड विजन। कौन शेयर, किसने विजन करना चाहिए?
जाके आरसी बर्गर ने बोलेगा ईवी बनाओ, वो बोलेगा देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ, उनसे बातचीत करके अपने विजन को सबके सामने रखेंगे, सबसे वार्तालाप करेंगे और तब जाके फैसला लेंगे। देखो आगे क्या लिखा है, सीनियर मैनेजर यानी कि भार्गवा क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट, कौन किसको बोलेगा, भार्गवा सबको कम्युनिकेट करेगा। देखो यही चीज है, यही वर्ड आपको डिफिकल्ट लगेंगे अगर आपको केस स्टडी नहीं पता है, आपको लगेगा क्या बोल रहा है, काय कम्युनिकेशन आया इधर। दे हैव टू कन्विंस ऑल दोस कंसर्न दैट द चेंज इन द बिजनेस कल्चर इज नॉट सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक, द एक्शन टेकन हैव टू बी क्या लिखा, क्रेडिबल, हाईली विजिबल, अनमिस्टेकेबली इंडिकेट, यानी कि आप जब डिस्कशन में जो नए वो आ रहे ना कि एवी बनाएंगे, एसयू जो भी बनाएंगे, इट शुड बी शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। और इसलिए बोल रहे हैं, वो ऐसी चीज लाओ नहीं, ऐसी नई ईवी ऐसी लाओ, ये नया एसयू ऐसी लाओ जो क्या होना चाहिए, हाईली विजिबल, यानी कि मतलब जिसका सक्सेस आपको, यानी कि पहले से आप ऐसी चीज चेंज करो, क्या होना चाहिए उससे आपको शोर शॉट पता होना चाहिए कि ये तो काम करेंगे। ये बोल रहे सुपरफिशियल चेंज मत लाओ, यानी कि आपने पहले कोई कार होंगी तो आपने उसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज कर दिया उसके अंदर, वो बोले ऐसे चेंज मत करो, ऐसा समझो कि पेट्रोल कार ही नहीं, अब ईवी बनाओ, मतलब कुछ ऐसा समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा चेंज मत करो, कलर चेंज कर दिया, इंटरेस्ट वैसा चेंज नहीं, ये मार्केट पेनिट्रेशन की बात नहीं हो रही है, ये बोल रहा ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दो ना बस। हाँ आगे देखो, अब आ गया तीसरी बात, क्या लिखा तीसरे में, आप लिखो आपके चिट्ठी पे क्या करेंगे तीसरी बात, नहीं नहीं अब एक काम करो, टू को एक्सटेंड और करो, आरसी भार्गवा विल एनकरेज टीम मेंबर्स टू डेवलप, आरसी भार्गवा विल एनकरेज टीम मेंबर्स टू डेवलप ईवी एसयूवी, अब तीन में आ जाओ, पढ़ो बेटा क्या लिखा तीन में अच्छे से, institutionalize the change, पूरा पढ़ना है हाँ, this is basically an action, this is basically an action stage which requires implementation of change, implement, यही तो काम की चीज है इसकी, क्या लिखा implement, तो बताओ आप चिट्ठी पे क्या लिखोगे, क्या implement करोगे आप, लिखो मारुति will, अरे लिखो क्या मारुति क्या करेगा अब, लिखो मारुति will start, मारुति will launch, क्या लॉन्च करेगा, विल इंट्रोड्यूस किसको, विल इंट्रोड्यूस ईवी एंड वॉट एसयूवी, पढ़ो आगे, creating and sustaining a different attitude towards change is an essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking or doing things. देखो नई वाली के पास जा रहे हो पर अब पुरानी वाली को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, कि ऐसा ना जो नई वाली भी आ रही है और आप पुरानी वाली को भूलने तैयार नहीं, आपको नई वाली को अपनाना पड़ेगा कि नई वाली ईवी वाकई में बहुत रॉक करेगी। आगे बढ़िए, कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड be a fundamental anchor of the new culture of the firm. Besides, change process must be regularly monitored and reviewed to analyze the after effects. कौन जवाब देगा, वो बोल रहे जो नई वाली ईवी भी है ना उसको भी बार बार चेक करो वो सही चल रही है या नहीं चल रही, क्यों भाई क्यों चेक करे, आप तो नए लाए हो तो आपको तो चेक करना पड़ेगा, नहीं ना तो नहीं तो अच्छी होगी ना, नहीं सर ऐसे कैसे, हर नई वाली अच्छी नहीं होती, उसका भी परफॉर्मेंस बार बार चेक करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू, यानी कि ईवी का परफॉर्मेंस बार बार चेक करना पड़ेगा, वेदर ईवी इज परफॉर्मिंग एज पर द डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन, वेदर ईवी इज फुलफिलिंग आर रिक्वायरमेंट, क्या ईवी एसयू अपने को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, ये क्या रहेगा, एनी डिस्क्रिपेंसी और डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू नोटिस of persons concerned so that the necessary corrective action are taken. बोल बेटा, अगर ये जवाब गलत दिया ना बेटा, ये लास्ट पॉइंट पे अटके हो आप। देखो अब जो नई चीज आ चुकी है हमें नोटिस करना पड़ेगा कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई है या फिर उसमें कोई कमियां तो नहीं है, अगर होगी तो हमें उसे सुधारना पड़ेगा ताकि हमें मार्केट में सस्टेन कर सके, जो नई वाली आई है उसका परफॉर्मेंस चेक करते रहना, अगर वो अच्छी चल रही तो
हम उसमें और इनोवेशन अच्छी चल रही तो कोई बात नहीं, और नहीं अच्छी चल रही तो हम उसको अच्छा करेंगे। इसी को तो इंग्लिश में था डिस्क्रिपेंसी, यानी कि वो ऐसा नहीं चल रही जैसा चलना चाहिए थी। एंड देन यू शुड टेक व्हाट करेक्टिव मेजर इफ इट इज नॉट वर्किंग, यानी कि नई वाली को लाके छोड़ मत देना, नई वाली को भी चेक करते रहना बार बार कि वो सही चल रही कि नहीं, वो सेटिस्फाई कर पा रही कि नहीं। अंडरलाइन द वर्ड डिस्क्रिपेंसी, अंडरलाइन द वर्ड व्हाट टेस्ट ड्राइव है, नई वाली का टेस्ट ड्राइव कौन बोला रहे? अंडरलाइन द वर्ड करेक्टिव एक्शंस, समझ आया? बताएंगे बेटा तीन स्टेप का नाम बताओ। सबसे पहले इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तीन स्टेप का नाम याद है आपको? बोलो चला दो माइक इनके पास। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? रिकॉग्नाइज, शेयर्ड विजन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, चेंजेस है ना सर थर्ड वाला? सर मैंने नहीं बोला कुछ भी, मैंने बोला इनको। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? मारुति ने जाना कि हमारी वाट लग चुकी है। व्हाट इज पॉइंट नंबर टू? सबके साथ में विजन शेयर करेंगे। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? क्या है तीसरा पॉइंट? यानी कि आपने जो नया लाया है उसको इंप्लीमेंट करवा दो। एक बार जोरदार डाली सभी के लिए यार, क्या बात है। इंशा, और क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या? इनका अंशुल, माइक लीजिए आपने। कहां से अंशुला? अंशुल फ्रॉम चंद्रपुर और इंशा फ्रॉम यूपी। इन दोनों को मिलता है ये कंबाइंड प्राइस 500 रुपए के नाम जोदो डाल दिया। आप बेटा आपस में बांट लेना जैसे भी हो सके। एक बार जोदो डाल दिया दोनों के लिए, क्या बात है। थैंक यू सो मच, ऐसा बांट दें बेटा आपस में देख लेना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप बाल बाल बच गई पर आपकी चॉइस सही थी, आपका भरोसा सही था। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम लगे हाथ इसके नीचे लिखा हुआ है, जिसका नाम है कर्ट लुविन। क्या बोल रहा है? बोलना कर्ट लुविन हमेशा फ्रिज में बैठता है। कहां पे? अरे पता है क्या, मैं आपको एक गाना दिखाना चाहता हूं और वो गाना ने क्या बुला देना मुझे, एक मिनट। ये गाना सुनना, वो गाने को कनेक्ट करेंगे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के साथ में। आप बताना कौन सा गाना किसके लिए है। बुला देना मुझे, लाइट्स। बुला देना मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना सिंगल ऑन।
तुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है बिना। ये गाने के बाद में आपको ये सुनना है, मैं इसका ओरिजिनल सॉन्ग लगा नहीं सकता बिकॉज वो बहुत ही वो पारिवारिक गाना है। ये गाना अकेले में देखना तुझे अपना बनाने की कसम, वो बहुत ही माहौल है उस गाने में। आगे झुका दूंगी तेरी उल्फत मेरी जाना बोरन लाई है जो अभी बोलेंगे वो गाने का लाइन मेरे लिए काम का है। मैंने आपको दो गाने सुना जिसमें दो कॉन्सेप्ट है, मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आप बताना कौन सा गाना किससे रिलेट करता है। पहले सुन लो अभी जो बोलेगा काम की चीज है। एक गाना हमने सुना भुला देना उसे, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, जिसने इसको लाया है दुनिया में उसका नाम है कर्ट लुविन। क्या बोला मैंने? कर्ट लुविन। उसके नीचे आपको तीन कॉन्सेप्ट, फ्रीज अनफ्रीज दिख रहा होगा। एक मिनट, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास देखेंगे। यह है कर्ट लुविन आपके सामने, ये आप दुनिया में नहीं रहे, ये आप बहुत ऊपर है। इन्होंने जाते समय एक कॉन्सेप्ट लिखा, आप लोग कुछ नहीं बात करें, आई जस्ट नीड 10 मिनट्स ओके, और मेरे दिन क्लास विल बी ओवर। कर्ट लुविन कहता है कि जो स्ट्रेटेजिक चेंज हमने अभी पढ़ा ना, उसको थोड़ा मैं स्लाइटली चेंज करके पढ़ाना चाहता हूं। बोले उसमें भी तीन स्टेप थे, रिकॉग्नाइज करो, शेयर करो और इंप्लीमेंट करो। ये बोला इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके कहता हूं। बोले पहले कि क्या करो, अनफ्रीज करो। क्या बोला? फिर बोलता है फ्रीज करो। हा, मेरे पास आओ। पहले बोला अन, देखो फ्रीज मतलब गले लगा लो, और अनफ्रीज मतलब जो जिसको फ्रीज किया था उसको जब छोड़ते हैं ना उसको अनफ्रीज कहते हैं। फ्रीज अनफ्रीज यानी छोड़ दिया उसको, अनफ्रीज यानी कि पहले बताओ अगर आपको लग रहा होगा आपकी पुरानी वाली सही नहीं काम कर रही है तो नई वाली को ढूंढने से पहले पुरानी वाली को छोड़ दो। इसी को कहते हैं हमारे सिलेबस में जिसका नाम है, जिसका नाम है किधर गया भाई, जिसका नाम है, नाम है जिसका नाम है। दोस्तों मुझे आपसे कुछ ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर काम का है। अनफ्रीज करो, सुनो। पहले जमाने में टैली हुआ करता था, अभी भी टैली यूज करते हैं लोग, सुनो। पर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ जाती है ना, when it becomes global, then you cannot sustain by using tally software, because tally is the software of only accounts and finance. Tally is the software for the management of only account and finance. But aapka jab organization bahut bada ho jata hai, diversified ho jata hai, aapke bahut sare dhande khul jate hai, by using tally you will not be able to sustain and grow. You need a concept called ERP.
आपको ERP सॉफ्टवेयर चाहिए, विच इज द सॉफ्टवेयर ऑफ व्हाट द ऑल द डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, SCM, सबका मिला के एक, जिसको सबका मालिक एक, नाम तो सुना होगा ERP, सुनो मेरी बात। तो दोस्तों ये क्या कहता है, कर्ट लुविन कहता है जो पुरानी वाली है उसको जुदा कर दो, यानी टैली को अनफ्रीज कर दो, यानी टैली को बंद कर दो। क्या बोला? टैली को फिर कहता है अनफ्रीज करो, फिर चेंज करो, फिर रिफ्रीज करो, चेंज करो, यानी क्या? पुरानी वाली तो चली गई, अब नई वाली को ढूंढना चालू करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, पुरानी वाली साथ में तभी नई वाली को कांड हो जाएगा जब तक पुरानी वाली, क्योंकि देखो अगर पुरानी वाली आपके साथ ही है और आप नई वाली को ढूंढते हो, नई वाले का आपको, यू विल बी बायस्ड बिकॉज यू आर स्टिल अटैच्ड टू योर एग्जिस्टिंग वन। यू कैन थिंक ऑफ न्यू वन ओनली इफ द ओल्ड वन इज नॉट देयर। मानते हो मेरी बात को? पुरानी वाली को पूरी तरह से। तो दोस्त सुनो, टैली को आपने अनफ्रीज कर दिया, चेंज करते समय आप ढूंढो कि बाजार में कौन सी ERP सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल का है, उसके साथ में SAP का है, न जाने कितने वैरायटी ऑफ ERP सॉफ्टवेयर को कंपेयर करो, कंपेयर करो, देखो इनमें से अच्छी कौन। सर पुरानी वाली छोड़ के गई तो कौन सी नई वाली के पास जाए, ये बोलता है बहुत सारों को कंपेयर करो, नई वाली को कंपेयर करो, सबका परफॉर्मेंस चेक करो और जिसके परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उसी को कर दो रिफ्रीज, यानी कि उस नई वाली को ही रिफ्रीज करना जिसके परफॉर्मेंस में आपको पॉइंट नंबर 2 में मजा आया हो। बताओ तीन बातें कौन सी, स्टेप नंबर 1 कौन सा है? अनफ्रीज करो यानी पुरानी वाली को, यानी टैली को, पॉइंट नंबर 2 में ERP के आपने 4 सॉफ्टवेयर ढूंढे, कंपेयर करो, देखो सबसे अच्छा, मान लो आपको SAP बहुत पसंद आया पॉइंट नंबर 2 में, तीसरे में क्या करोगे? पॉइंट नंबर 3 में ऐलान कर दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर आज से SAP होगा। सर 2 में और 3 में क्या फर्क है? देखो बच्चों 2 में जितनी भी आप ट्राई करो जरूरी नहीं सबके साथ में रिफ्रीज करे, मान लो 2 में आपने 10 अलग अलग मॉडल देखे होंगे। हर कोई चीज जो पॉइंट नंबर 2 में आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो रिफ्रीज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट नंबर 2 में आपने उसको टेस्ट किया हो बट यू आर नॉट हैप्पी तो वो रिफ्रीज नहीं होगा। जो भी सॉफ्टवेयर पॉइंट नंबर 2 में चेक किया हो जरूरी नहीं कि वो रिफ्रीज हो जाए। पॉइंट नंबर 2 में जितने भी सॉफ्टवेयर देखे कंपेयर करो ना, देखो ना अच्छा कौन सा है, और जो अच्छा लगा पॉइंट नंबर 2 में रिफ्रीज तो 3 में ही करेंगे। बताओ मैंने आपको 2 गाने दिखाए थे, कौन सा गाना किसका? बुला देना मुझे, तो ये पॉइंट हो गया अनफ्रीज, बुला देना मुझे, किसको बुला देना? अरे किसको बुला देना? पुरानी वाले को। अब आपने नई वाली ढूंढ के निकाली पॉइंट नंबर 2 में, नहीं नहीं 2 में आपने कंपेयर किया, ढूंढा, पर अभी भी उसका नाम का ऐलान नहीं किया। बताओ 3 में क्या करेंगे? तुझे अपना बनाने की कसम खाई है क्योंकि तुझे मैंने पॉइंट नंबर 2 में टेस्ट किया है। आज से मेरा वापस से बोलो बच्चों, 3 पॉइंट्स कौन से? अनफ्रीज यानी कि पुरानी वाली को, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 का नाम क्या है? चेंज को, चेंज टू द न्यू, यानी कि नई वाली को ढूंढो और जो अच्छी लग रही है उसको अपने गले लगा लो, उसको बोलते हैं। सुनो एक बात ध्यान से, आज मैं आपको, कितने लोगों ने यहां पे वो सुना है, एक कंपनी जिसका नाम है जनरल मोटर, सर हमने सुना, आपने भी बताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया की तो बड़ी कार कंपनी आपने बताई, क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार कंपनी कौन सी? वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कार का धंधा किसका? अगर है तो हम तो बताओ ना, टोयोटा गलत जवाब है ना, जनरल मोटर गलत जवाब है ना, एंड द करेक्ट आंसर इज Volkswagen। दोस्तों Volkswagen भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जिसने बनाई बेंटली, जिसने बनाई Lamborghini, जिसने बनाई ऑडी, जिसने बनाया स्कोडा, जिसने बनाया Volkswagen। अरे भैया ये कार नहीं बनाता है, ये कारे बनाता है, कारे। आपने जितनी भी कारें देखी ना बिग ब्रांड्स, ये Volkswagen बनाता है। वर्ल्ड के अंदर जनरल मोटर इज नॉट द नंबर 1 कंपनी, पर हम लोग जनरल मोटर की हालत बेहालत हुई थी
तब उसने कर्ट लुविन को अपनाया था. कर्ट लुविन दोस्त था, कर्ट लुविन वॉज द फ्रेंड फॉर जनरल मोटर कार. उसने जनरल मोटर को एडवाइस किया था, तेरी लग जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, तू मुझे फॉलो कर, तू अनफ्रीज कर जो तू बना रहा है. आज देखते कर्ट लुविन से मैं आपको मिलाता हूं. सबसे इधर देखो मेरे पास, प्लीज डोंट टॉक गाइस. टॉप 10 कार कंपनीज इन द वर्ल्ड. Volkswagen इज द फर्स्ट कंपनी. आप देखते हो सबसे पहले कौन है और नंबर दो पे कौन है. सबसे नंबर वन कौन है, जर्मनी है. नंबर टू कौन सी, नंबर थ्री, नंबर फोर, ओ नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर एट. सर मतलब अपना तो टाटा वाटा तो किधर. ए भाई टाटा तो नंबर ही नहीं है अभी तो, हुंडई नहीं, निसान नहीं, क्या यार अपना अपन है कि नहीं किधर इंडिया के लोग. अरे इंडिया के टाटा मारुति किधर है रे? बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की. पूरे ऊपर की 18-19 में हम कहीं भी नहीं है, हम तो बाद में आ रहे हैं. दोस्तों इधर देखिएगा, इधर देखना होगा आपको. बात निकली तो बता देता हूं, Volkswagen को मैं पढ़ना चाहता हूं विकी से. आज एक थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब ये समझना होगा. आप देख लीजिए इनके कार का नाम कौन सा कौन सा, ये कौन सी कार बनाते हैं भैया, ये क्या नहीं बनाते हो देखो. अरे भाई साहब इनका जो कार बनाने का जो धंधा है ना, मैं थोड़ा सा यहां पे देखता हूं. Volkswagen ग्रुप देखिएगा क्या क्या बनाता है, जरा देखिए. ऑडी, बेंटली, कुप्रा जेट्टा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सीट स्कोडा, Volkswagen. बाइक में डुकाटी सुना होगा आपने. सर ये क्या क्या बनाता है, ये Volkswagen ग्रुप है, वर्ल्ड का नंबर वन है. स्कोडा, ऑडी, सब उसके ही से भाई है, पोर्शे. अरे ये बहुत फेमस कार है सर, ये कौन सी, बेंटली, ये लैम्बोर्गिनी, पोर्शे. एनीवेज गाइस ये वर्ल्ड की सबसे नंबर वन कंपनी, याद रख लेना. नॉलेज आपके सभी के पास होना चाहिए. आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो आप देखेंगे और बताएंगे इसमें तीन चीजें कैसे हो रही है. जो वीडियो वही जवाब दे सकता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा इंग्लिश बोला है ना वीडियो में, अमेजिंग. कर्ट लुविन, कर्ट लुविन का ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूं. कर्ट लुविन, कर्ट लुविन का वीडियो मैं बताने जा रहा हूं. कर्ट लुविन, कर्ट लुविन, कर्ट लुविन का वीडियो, जनरल मोटर्स. आर यू रेडी गाइस, कम ऑन. सर क्या हो रहा, जीएम मोटर्स. आजा भाई जल्दी. कर्ट लुविन वीडियो फॉर जनरल मोटर्स, जनरल मोटर्स. आजा यार, कहां गया है, गूगल ने छुपा के रखा है उसको. थर्ड पे, थर्ड पेज पे भी नहीं है, किधर गया. फोर्थ, नहीं ना, कार्टून का के है क्या. कब मिलेगा मुझे. ऑसम वीडियो, ऑसम. ये वीडियो देखोगे ना आपको बहुत आगे जाओगे. आना चाहिए बस एक बार देखता हूं, नहीं तो यहां पे नहीं तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा. मुझे आप 30 सेकंड्स और लगेगा सर्च करने. कर्ट लुविन कार, जनरल मोटर्स. आ गया. ओके गाइस, जिसकी इंग्लिश अच्छी वो जवाब देंगे, बाकी लोग सब मजे लेंगे.
आज वापस से यहां पे कपल मूवी टिकट मिलेगा आपको मेरी ओर से। दो लोग आएंगे जवाब देंगे। लाइट थोड़े से ऑफ करना भैया। और आपको करना क्या है, पूछो करना क्या है। आपने तीन स्टेप पढ़े अभी, अनफ्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, रिफ्रीज करेंगे। इस वीडियो में आपको तीनों भी दिखेगा, अनफ्रीज भी हो रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल है जनरल मोटर ने अपने लाइफ में। जनरल मोटर एक समय पे बर्बाद होने लगा था, आज वर्ल्ड की 7th-8th नंबर की कंपनी है। वापस कम बैक किया, पर ये कर्ट लुविन ने ज्ञान दिया था। उदय कर्ट लुविन ने क्या बोला, सभी लोग ध्यान से देखिए। Gas prices over the last 10 years have steadily been on the rise. Even as early as the 1970s, the United States... उसके नीचे भी वो इंग्लिश में सबटाइटल है उसके। उसकी इंग्लिश अनसर्ड बोलता है वो। States had insight as to the power OPEC held over their dependency on foreign oil. Many American car companies continued to produce automobiles that used fuel. That used fuel... दे कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर ऐसी कार जो फ्यूल सही इस्तेमाल, मतलब जिसका एवरेज बहुत कम था। ये जनरल मोटर की कार इंडिया में नहीं दिखती है, ये तो शेवरले है, पर एक जीएमसी आता जीएमसी, वो कार आपको मैंने अभी इन दिनों में दुबई में बहुत देखी, इंडिया में तो है ही नहीं, पता नहीं प्राइसी बड़ी बड़ी वाली कार। और दोस्तों सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूं, यहां पे इनका बोलना है कि वहां के पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, अब मैंने आपको क्लू दे दिया, बाकी आप संभाल लेना। Fuel inefficiently. They could do this because the United States experienced relatively low gas prices compared to the rest of the world. Adding to this was the idea that some American consumers continued to demand larger automobiles. At this stage, American car companies were frozen and unwilling to change the types of automobiles they were designing. Kurt Lewin would say that in order for the unfreezing process to begin, motivation for doing so needed to be apparent. In 2008, when oil prices were above $140 a barrel, अब तो बहुत ही प्राइसेस बढ़ गए, किसके? ऑयल पेट्रोल सबके। The American public began to thaw. Dealers for these companies literally claimed that overnight, आप देख रहे हैं कार लगी, मतलब बिक रही क्या नहीं बिक रही? ऐसा कब होगा जब बिकेगी या नहीं बिकेगी? People stopped buying larger automobiles. Instead, consumers wanted the cheaper and more fuel-efficient cars. Instead, consumers wanted cheaper and more fuel-efficient cars. For foreign automakers, fuel efficiency had been a reality they dealt with years ago. They already had the more desirable cars on the marketplace. American automakers realized that they had to change their automobile lineups or face extinction. Kurt Lewin would mark this as the end of the unfreezing. General Motor ki hal behal ho rahe the. अब देखो कर्ट लुविन ने क्या ज्ञान दिया उसको, अनफ्रीज कर, चेंज कर, रिफ्रीज कर। एंड द बिगिनिंग ऑफ द चेंज प्रोसेस। नाउ अमेरिकन ऑटोमेकर्स आर इन द मिडल ऑफ द चेंज प्रोसेस, होपिंग टू अवॉइड बैंक्रप्सी एंड इंट्रोड्यूस, होपिंग टू अवॉइड बैंक्रप्सी, समझ पा रहे हो क्या? इंट्रोड्यूस द न्यू लाइंस ऑफ फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स दैट विल कंपीट इन दिस। इसलिए उन्होंने ऐसी कार को लॉन्च किया जिसका नाम है शेवी वॉल्ट। ये कार देख रहे हो, ये कौन सी कार है? शेवी वॉल्ट। ये हैचबैक है या एसयूवी है? सेडान कार है, सेडान कार है। आपका समय शुरू था, लाइट्स ऑन। आपको बताना है अनफ्रीज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, रिफ्रीज क्या हुआ। आजा, आपके साथ कौन आएगा? इनके साथ कौन आएगा? अनफ्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, रिफ्रीज करेंगे, तीन चीजें है इसमें। आ जाओ, अनफ्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, माइक देना भैया, दो दो। हाँ बेटा, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। बेटा तीन स्टेप बताओ कि सबसे पहले वाली क्या होती है? अनफ्रीज, यानी कि पुरानी वाली को भूल जाओ, भूल जाओ। चेंज मतलब? चेंज मतलब जो कमियां है पुरानी वाली में उसको चेंज करने के लिए देखो, मतलब नई वाली ढूंढो। हाँ, फिर नई वाली ढूंढ ली दो नंबर में, तो तीन नंबर में करना क्या है? वो जो चेंजेस है उसको इंप्लीमेंट करके फ्रीज करना है, ताकि वापस अपना मार्केट शेयर वापस अपन कैप्चर कर सके। तो आप बताओ, सेकेंड में कह रहे हैं चेंज, तीन में कह रहे रिफ्रीज, यानी चेंज में क्या करते हो आप लोग? बहुत सारी नई नई ढूंढते हो, पर हर नई वाली अपनी अच्छी नहीं हो सकती, टेस्ट करते हैं। आपने 10 लड़कियों को 10 लड़कियां 10 लड़के देके शादी करने के लिए, हर किसी से शादी नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करना है किसका मेरा वेवलेंथ जमेगा, एक से शादी करना है। शादी तीन नंबर में होगी एक के साथ, पर दो नंबर में आप
आई मीन टेस्ट नहीं बेटा, टेस्ट कैसे करें? आई मीन आप वो करो, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। व्हाट डेमो, व्हाट परफॉर्मेंस यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ गए होंगे राइट। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे स्टोरी में अनफ्रीज क्या हो रहा था। बेटा इधर आना समझ पा। जब जनरल मोटर्स स्टार्टिंग में पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ उनकी कार में पेट्रोल की जो एवरेज मिलती है कार पे अपने को, वो बहुत ज्यादा कम थी। तो यूएस में एकदम से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तो उस वजह से दूसरी कार्स जिनका एवरेज बहुत अच्छा था और उनका रेट भी उल्टा कम था, तो लोगों ने उसके ऊपर शिफ्ट कर लिए और इनका सेल एकदम से गिर गया। बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब बताओ जनरल मोटर अनफ्रीज करिए किसको? अपने जो फ्यूल की एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और उनके जो मैकेनिज्म लगती है। किसको अनफ्रीज यानी किसको बंद करेंगे? सर जो पुरानी वाली कार, पुरानी वाली को बंद करके नई वाली कार ऐसी। पुरानी वाली कौन सी? जो कार्स में एवरेज कम मिलता था, यानी कि उनके उसमें क्या था ना, बड़ी बड़ी कार थी जिसको हम लोग बोलते हैं वो अपने वो देखते ना कार, अपने रेंज रोवर या बड़ा और कौन सा लैंड क्रूजर वगैरह होता ना, ये बड़ी बड़ी कार है जो होती है जिसका माइलेज 3-4-5 का होता है, समझ गया, हमर वगैरह जो नहीं का, वैसे भी कार थी इनकी। चिट्ठी लगाओ, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखो अनफ्रीज नाम का, लिखो बोलो किसको बंद करेंगे, ऊपर सबसे बड़े लिखो केस स्टडी ऑफ जनरल मोटर, लिखो केस स्टडी ऑफ जनरल मोटर, केस स्टडी ऑफ जनरल मोटर, केस स्टडी ऑफ जनरल मोटर। नंबर वन लिखो अनफ्रीज किसको करेंगे, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग, किसको स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल इनएफिशिएंट कार्स डैश एसयूवी। बेटा बंद कर देंगे उसको? हाँ सर, पुरानी वाली को बंद कर, पुरानी वाली बंद कर। बेटा आप क्या करेंगे, कंपनी तो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। yes, क्या करेंगे सर? स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल इनएफिशिएंट कार्स, बार बार मत पूछो, हो गया कि लिख के वो स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल इनएफिशिएंट कार्स। आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे सर? जो कार्स फ्यूल एफिशिएंटली यूज करती है और जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली पुरानी वाली कार्स से कम भी है, तो ऐसी कार क्या करेंगे? ऐसी कार को वो लोग मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। कर देंगे स्टार्ट? नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो डिस्कशन करेंगे कि वैसी कार्स हमें बनानी पड़ेगी। अभी 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 आप एक कार लाओगे या बहुत सारी अभी ट्राई करोगे, ये भी लाके देखोगे? बहुत सारी ट्राई करेंगे, ऑप्शंस लाएंगे बहुत सारे, जिसके अंदर एवरेज भी अच्छा होगा और जिसकी प्राइस भी बहुत कम होगी, इस चेंज करेंगे। देखो नई वाली ढूंढना इतना आसान नहीं है, नई वाली बहुत मिल जाएंगी, पर अपने जैसी ढूंढना बड़ी बेकार है। अभी हो सकता है 10 कार आपको लगे ये भी बना लू, वो भी बना लू, ये भी बना लू, पर आपको सारी 10 कार तो एक साथ लॉन्च नहीं करतेगी, आपको उसमें से एक दो लॉन्च करना है। पर आपने 10 को कंपेयर किया, उसमें से मान लो एक दो अच्छी लगी। आप जरा बताना यहां पे क्या हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, रिफ्रीजिंग और ऑकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ अ लाइफ। बहुत अच्छा इंग्लिश है, बहुत कड़क इंग्लिश है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ उसमें? रिफ्रीजिंग ऑकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, यानी कि सर बहुत अंडरस्टैंड इंग्लिश है ये, बता तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहे हैं? दो नंबर में जो 10 कारें आपने अपनाई थी उसमें से आपको एक अच्छी लगी थी, फिर भी अभी भी उसको लगाओ मत, उस एक जो अच्छी लगी उसके बाद में और कुछ दिन और ट्राई करो उसको, और जब लोग सब बोलेंगे नहीं नहीं हम इससे एडजस्ट हो सकते, जैसे आपने ईआरपी लाया पॉइंट नंबर 2, सुनो एससीपी लाया, आपने एससीपी सर्च किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्च किए, पर आपको एससीपी अच्छा लगने लगा पॉइंट नंबर 2 में, आपको एसएपी अच्छा लगने लगा, फिर भी आपने लोगों बोला 4 महीने और यूज करो, 4 महीने बाद और पूछा, लोगों लगा सर आप बहुत एक्चुअल में मजा रहा, इट हैज बिकम द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमें लगता ही नहीं कुछ एसएपी नया है। देखो 10 आपने 10 आपके लड़कियों से शादी करने का सोचा, आई मीन 10 को चुना, एक से शादी करना है, पर आपने क्या किया उसमें से एक लड़की आपको बहुत पसंद आई और लड़की को भी लड़का पसंद है, तो फिर भी वो क्या बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं डिसाइड करिए, लेट्स नहीं 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 व्हाट लेट्स टेस्ट क्रेजी व्हाट लेट्स बी टुगेदर फॉर लाइक यू नो 2-3 मंथ्स मोर टू अंडरस्टैंड इच अदर मोर, तो लिव इन रह लो आप, उसके बाद में निर्णय लेंगे शादी का, उसको बोलते हैं यहां पर लिखे न्यू बिहेवियर बिकम्स अ, आपको जो लड़की के साथ में शादी करना है आपको लगता है यार बहुत अपनी जमरी से बहुत बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तब फैसला होगा। क्या हर 2 में, मेरा एक सवाल है, सेकंड में जितनी भी कार हमने देखी हर कार 3 में आएंगी या उसमें से कुछ कार 3 में आएंगी? सर कुछ कार 3 में आएगी, जो थोड़ा अपने को समझ आ रहा है कि लोगों को उसको पसंद करना चाहेंगे और वो एफिशिएंट काम करके अपना मार्केट शेयर वापस कैप्चर कर पाएगी। बिल्कुल सही बोल रहा है,
तो आपने क्या लिखा, एक लिखा क्या दो लिखा अब तक? एक ही लिखा है। अबे दो में जाओ लिखो, फाइन दो में ऐसा नंबर टू लिखो। आफ्टर वी अनफ्रीज द ओल्ड वन, आफ्टर वी अनफ्रीज द ओल्ड वन, इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स। ये आपने बी में ढूंढा, राइट? मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, ये आपने दो में ढूंढा, फिर तीन में क्या किया? रिफ्रेस करो, अब कौन सी वाली जो ज्यादा पसंद आई हो? बेटा दो में और तीन में क्या फर्क, उत्तर समझा दो बस मुझे। सर तीन में अपन समझते हैं मतलब कि अपने मार्केट में किस कौन कौन सी कार ऐसी है जो काम कर सकती है, और उसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी बेस्ट कार होगी जो अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी और लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आएगी। दो में क्या और तीन में क्या? सर दो में सिर्फ अपन डिस्कशन करते हैं, R&D करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, और थ्री में अपन उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में, और उसको तीन में कंपैरिजन नहीं, तीन में आपका डिसाइड हुआ शादी है डायरेक्ट, अब आपे लड़के और नहीं दिखना है। दो में आपके पास चांस है, इसको देखो उसको देखो, आप एक बार आपका फाइनल हो गया ना, अब इससे शादी करना है, तीन में शादी करके काम खत्म करो। तो दो में आपने बोलो कुछ नहीं, क्या परमानेंट बोलो जरा मैं समझाऊं, वो जो चेंज होगा वो फिर आप बताओ आपके हिसाब से इस वीडियो में वो कौन सी कार थी जो फाइनली उन्होंने लॉन्च की? शेवी वॉल्ट नाम की कार थी जो फाइनली इंट्रोड्यूस की। बिकॉज जब वो नई नई कार लाते ना, उन्होंने 8-10 अलग अलग कार बनाते हैं, सबके ऊपर अपने लोगों को ड्राइव करने लगाते हैं, दूसरे उसको बोलते हैं बीटा वर्जन, आपको पता नहीं होगा, मार्केट में आते हैं लोग बोलते चला के देकर गाड़ी, फिर जिस गाड़ी को ज्यादा बहुमत मिलता है ना उसको लॉन्च करते हैं लोग। तो दो में सब टाइम पास चलता है, जिसको बहुमत मिल गया, तीन में उसको बस लॉन्च करके मैंने हर शोरूम में भेजते। लिखो पॉइंट नंबर तीन में कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड शेवी वॉल्ट CHEVY शेवी वॉल्ट VOLT शेवी CHEVY शेवी वॉल्ट VOLT लॉन्च, राइट? किसको लॉन्च किया? शेवी वॉल्ट। अब यहां पे क्या लिखा है ये पढ़ो, द न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली, यानी कि जो पुराने आपकी कार थी ना वो सब बंद करो, फेंक दो उसको, और अभी हर जगह पे क्या लगेगा? शेवी वॉल्ट हर जगह पे आएगी। हाँ आगे, कंप्लीटली फॉर सक्सेसफुल एंड परमानेंट चेंज टू टेक प्लेस, इन ऑर्डर फॉर द न्यू बिहेवियर टू बिकम परमानेंट इट मस्ट बी कंटिन्यूसली रेनफोर्स्ड सो दैट दिस न्यू एक्वायर्ड बिहेवियर डज नॉट डिमिनिश और एक्सटिंग्विश। यानी कि जो नई वाले आई उसके ऊपर भी ध्यान रखो, सही चल रही है नहीं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो पुराने वाली तो खराब थी, नई वाली भी 2-4 महीने में आउटडेटेड हो गई। आपको समझा क्या? अंडरलाइन द वर्ड डिमिनिश, किस कौन डिमिनिश नहीं होना चाहिए भाई। सर जो नया मॉडल आएगा मतलब अपन लॉन्च करेंगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही समय चले और फिर उसके बाद वो फिर वापस बंद हो जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। क्या आप बता सकते तीन स्टेप कौन से? अनफ्रीज करो, फिर चेंज करो, फिर रीफ्रीज करो। अनफ्रीज में क्या करते, पुरानी वाली को भूल जाओ, और चेंज में आप नई वाली ढूंढते हो, और जो अच्छी उसको पॉइंट नंबर तीन में रीफ्रीज करते, यानी कि अपने गले से लगाते, यानी कि अपने कंपनी का हिस्सा बनाते हैं। एवरीबॉडी एग्जामिनेशन, अब मैं खत्म कर रहा हूं, लास्ट 30 सेकंड सुनो। एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रैटेजिक चेंज के तीन स्टेप बताओ, जो हमने एग्जांपल लिया टाटा और मारुति का। एग्जामिनेशन पूछेंगे कर्ट लुविन के तीन स्टेप बताओ, याद रखना कर्ट लुविन हमेशा फ्रिज में बैठता है, किसमें? मेरे याद करने का तरीका है, कर्ट लुविन हमेशा इमेजिन करो फ्रिज, और फ्रिज में बैठा है कर्ट लुविन, क्योंकि कर्ट लुविन याद है और आपको फ्रिज वर्ड आया तो समझ जाना आंसर आ गया। एक अनफ्रीज है, तीसरा रिफ्रीज है, बीच में चेंज है। अनफ्रीज को चेंज करेगा तो मिलेगा रिफ्रीज, याद रखना कर्ट लुविन, यानी कि हमेशा क्या याद आना चाहिए? फ्रीज। बोलो कर्ट लुविन के तीन स्टेप कौन से? अनफ्रीज करो, फिर चेंज करो, फिर रिफ्रीज करो। एग्जांपल कौन सा याद रखेंगे? ये जनरल मोटर। अब मुझे पता वो कौन सा था, स्ट्रैटेजिक चेंज में हमने टाटा और मारुति यहां पे लोग देखे थे, आए थे, बताओ तीन से उसमें वाले से क्या रिकॉग्नाइज किया? किससे? आरसी भार्गव ने, कि अपनी वाट लग गई। फिर पॉइंट नंबर टू में क्या करता है वो, सबके सामने अपना विजन शेयर करता है, सबको पता था कि नई वाली लाओ, ईवी लाओ।
और पॉइंट नंबर तीन में इंस्टीट्यूशनल आपका ईवी लॉन्च हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। यस सर। सभी को समझ आया? थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक ऑफ 15, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। मैं यहां पे टाइम लगा रहा हूं, आप कितना भी टाइम लेते हो फिर बाद। बड़ा ये आपका दोनों का इनाम, थैंक यू सो मच। ये रहा, थैंक यू सो मच बड़ा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप डिसाइड कर लेना आपस में। Guys, I'll see you for FM in next 15 minutes. Bulana kal usko.
हेलो गाइस, वेलकम बैक। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कल कल बुला रहा भाई, सच में बुलाता हूँ। हेलो गाइस, आर यू रेडी? दोस्तों हम लोग करेंगे शुरुआत एफएम के साथ, एक बार सारे फॉर्मूला वो करते हैं रिवाइज। आर यू रेडी फॉर इट? दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज आपने कल देखे, क्या आप इनको देख के वापस से रिवाइज कर पाएंगे? करें, करो इसको। मैं स्टार्ट कर, मैं वेट नहीं कर रहा अभी इसका, मेरा ऑलरेडी टाइम खत्म है। दोस्तों लेवरेज के तीन टाइप है, डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। एवरीबॉडी इसको देखकर बताएं डॉल का फॉर्मूला क्या है। हम लोग एफ1 की बात करते हैं। इट इज कमिंग आउट ऑफ बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के पहले, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? ईबीआईटी। एंड इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ डीएफएल, इज व्हाट? ईबीआईटी अपॉन, ईबीआईटी अपॉन। तो दोस्तों दो कॉन्सेप्ट, एक डॉल है और दूसरा है डीएफएल। और डीसीएल इज व्हाट? डॉल मल्टीप्लाई बाय, डॉल को डीएफएल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा डीसीएल। पर दोस्तों आप सभी जानते हैं जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड होएगा तो फर्क डॉल में नहीं आएगा, आपके अंदर फर्क आएगा डीएफएल में। आप बताओ उस समय फॉर्मूला क्या देगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, वो वन माइनस टैक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को देने से पहले आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है। एवरीवन, चलो बताओ आमतौर पर इसको देख के बताए। ऐसे अगर मैं पूछता हूं, इधर देखो मेरे पास, एक बार इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। सेल माइनस ले लो वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, पैट, अब आएगा डिजिटल ड्रॉ, राइट? एवरीवन, आज से मेरा सवाल है, जल्दी से स्क्रीन पे देखना और फटाफट जाओ। डॉल का फॉर्मूला क्या है? ये आ गया आपका डॉल। और अगर मैं डीएफएल बोलू तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये आ गया आपका डीएफएल। और अगर इस क्वेश्चन में अगर मान लो यहां पे होता तो ये फॉर्मूला सही रहता डीएफएल का, पर हमारे पास में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे तो डीएफएल होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। पर डीएफएल ऐसा भी हो सकता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस, दस परसेंट इंटरेस्ट है, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है, महंगा कौन? 10% भी इंटरेस्ट है, 10% भी प्रेफरेंस डिविडेंड है, दोनों में से महंगा कौन? अरे महंगा कौन? ओके, ये क्लियरिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल तो आप मुझे बताना, कल हमने ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे किया था, आपको कुछ ऐसे 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 से याद है? अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं डॉल के बारे में तो आप मुझे जवाब दें परसेंटेज चेंज इन, इतने परसेंटेज सेल अगर चेंज हुआ तो कितने परसेंटेज? यहां पे ईबीआईटी क्यों लिखते हैं? बिकॉज यही वो एरिया होता है, कौन सा एरिया? ऑपरेशनल होता है, और ऑपरेशनल की औकात ईबीआईटी भी खत्म हो जाती है, इसलिए बोलते कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ बदले में कितना परसेंटेज, ये हुआ यहां पे। अब देखते हैं डीएफएल क्या बोलेगा। परसेंटेज चेंज इन, बिकॉज की शुरुआत ईबीआईटी से होती है, डीएफएल की शुरुआत कहां से होती है? ये उनका कवरेज क्षेत्र है, यहां से लेके ये है आपका फाइनेंशियल। कहां से चालू होता?
कितने परसेंटेज आपका ईबीआईटी चेंज हुआ, बदले में आपका कितने परसेंटेज, कम ऑन, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन, जब हम लोग ईपीएस लिखते हैं तो बताओ इसके अंदर आप आर यू कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और बोथ, तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप हम लोग वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने योग्य बन चुके हैं। लगे हाथ इतना बात बताओगे मुझे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अंदर अगर मैं अब ईपीएस ढूंढना चाहता हूं तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आई थिंक मैं सही कर रहा था, आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करें, आर यू रेडी टू रॉक गाइस, कम ऑन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन सुनो, अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने सॉल्व करेंगे ना, आपको लगेगा बहुत इजी है, बहुत इजी, पूरी प्रैक्टिस करवा के लेंगे आप। कल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज कम से कम 6-7 का टारगेट बनाएंगे, 7 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए आज। मेरे इसमें से बुक निकालना एफएम की, एक किताब मैं आपको देने जा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनो ये उसके नीचे उसका आंसर है, मैंने आपके बुक से आंसर सारे गायब कर दी, सुन लेना, ये क्वेश्चन 5 है, उसके नीचे उसका आंसर है, मैंने आपके बुक से आंसर गायब किए, पर मैं आपको आंसर के साथ में प्रिंट करे वाली भी बुक दे रहा हूं, अलग से दे रहा हूं, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, क्यों, अगर गलती से आपको कोई लेक्चर मिस हुआ, मैंने कोई आपको ऐसी चीज दी थी आपको सॉल्व करते नहीं आए, हर चीज सॉल्व करके आपके बुक में होगी, हो सकता है कभी आपको खुद के हैंडराइटिंग पर ही शक हो गया, बोलेंगे व्हाट द शक, आई डोंट नो व्हाई आई रिटन बेबी, आई वांट टू नो व्हाई आई रिटन, सो मैं आपको ये किताब दूंगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों भी, जिसमें हर कोई क्वेश्चन भी होगा और उसका उत्तर भी ऐसे हैंडराइटिंग में, बिल्कुल हैंड रिटन फॉर्मेट में, इसकी वजह से आपको ऐसा होगा जब आप पूरी कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करने की, हम क्लास में सब सॉल्व करेंगे, पर आपके पास दो चीजें निकलेगी फिर, एक तो आपके हाथों से सॉल्व किया हुआ और एक मैंने अच्छी हैंडराइटिंग से दिया हुआ, अगर कभी कभी आपको अपने हैंडराइटिंग पर और अपने सॉल्यूशन पर डाउट हो जाए तो आपके पास हमेशा एक किताब रहेगी जिसमें एंड टू एंड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हों, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, चाहिए आपको दे देंगे, ठीक है ना। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 से, आपको एक काम करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक में थोड़ा सा छपा नहीं है, इतना ऐड कर लो, उसके ठीक ऊपर जाके उसको इतना कर दो, बस 1 2 3 इतना ऐड कर दो, एक सेकंड के लिए फटाफट जल्दी से, अरे ये सब है फाइनेंशियल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना लिखो सिर्फ, इक्विटी 50 लाख लिखो, अरे क्वेश्चन में ऊपर 3 लाइन लेके जाओ और लिख दो, ऊपर लेट जाओ ना, ऊपर बहुत जगह है, लेटो लेटो ऊपर उठो, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर लेट जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच 50 लाख लिखो, 12% बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच 37 लाख, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं, अरे अभी आया भी नहीं, बैठा भी नहीं ढंग से, अभी संगीत चाहिए उसको, फिक्स्ड कॉस्ट भी लिखो 6,96,000, प्रिंट करते समय वो प्रिंटर ने लिया ही नहीं डेटा, काट डाला, यानी इसका भी थोड़ी बहुत गलतियां होती है बुक में कभी, ये लिखकर हो गया तो अपन सॉल्व कर सकते अभी, पर पता है क्वेश्चन बड़ा अजीब है, आप इस क्वेश्चन को क्या करो, पहली बात तो ये इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालो, 4 मार्क दिया ना उसको, बस ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसको भी नहीं आएगा,
सर ऐसे कैसे क्या है इसमें? अभी सब लोग मेरे पास देखेंगे तो सबको आएगा। इक्विटी कैपिटल कितना है भाई? 50 लाख की चीज है। अरे बोलते क्यों नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं, ओ मित्रों यहां पे ध्यान से देखना सब लोग, एकदम कॉन्सेंट्रेशन करो ठीक है, कोई टाइम पास नहीं है, अभी थोड़ी देर अच्छे से पढ़ना। मैं अगर यहां पे जाके देखता हूं तो मेरे पास में ऐसे भी प्रॉब्लम आती है भैया, आई नेवर थॉट दिस विल कम। देखो यहां पे आप क्या लगे, 50 लाख 10 का एक है तो आप बताएंगे कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कोई डाउट है? 12% बॉन्ड्स, 12% बॉन्ड्स, 37 लाख, कैलसी पे लेंगे, कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 37 लाख को मल्टीप्लाई करो 12% से, 4 लाख, 4 लाख बराबर है। सेल्स 84 लाख एज इट इज दिया हुआ है, बोलते भी नहीं आप। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर? जब यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी दिए, इंटरेस्ट भी दिया, तो समझ जाना ये ऑपरेशनल ही होगी, है ना? तो इसके सामने ऑपरेशनल लिख दूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट अलग से है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल है। फाइनेंशियल लेवरेज पहली बार दिया, जो अक्सर हम लोग यही तो कैच है यहां पे, बहुत बड़ा दर्द यहां पे होगा, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। वहां पे फाइनेंशियल लेवरेज के सामने दो, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, यहां पे लिख दीजिए सावधान इंडिया। ये पूरी तरह से आपका गेम ले गए यहां पे दोस्तों। फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 लिखा हुआ है, अच्छा है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं यहां पे, तो EBIT अपॉन EBT बेस्ट है। पीवी रेशियो किसने कॉस्टिंग में पढ़ा था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, यानी अगर मैं बोलता हूं 100 रुपए का सेल है तो 27.55 आपका क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन, और बचा हुआ उसका वेरिएबल कॉस्ट, कैलसी पे लेना। सेल कितना है? 84 लाख है, 84 लाख को 27.55 से 27.55 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4014। यह है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? ठीक है सर, मतलब इस क्वेश्चन में सेल्स आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन देते वेरिएबल आ जाएगा, तो मतलब अपना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, यानी कि ईबीआईटी तक पहुंच गए आप, हाँ सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि हम ईबीटी तक भी आ जाएंगे, और टैक्स दिया हुआ है तो ईएटी तक भी आ जाएंगे। तो फिर देख के ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंबाइंड लेवरेज। अरे ऑलरेडी डीएफएल दिया हुआ है, डॉल निकला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ईपीएस कैसा निकालते? डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर तो दिया है कितने, 5 लाख। सर इतना आसान है, फिर आपने इसको स्टारमा क्यों किया? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम तब चालू होता है जब आप खुद से डीएफएल निकालते हो और डीएफएल इनका देखते हो। अपना डीएफएल कुछ अलग ही आता है और इनका प्री डिफाइंड डीएफएल कुछ अलग आता है, वहां पे जाके कहानी होती है इनका गलत तो नहीं, प्रिंट मिस्टेक तो नहीं, कि ऐसा तो नहीं हम गलत करें, क्या ऐसा तो नहीं वो गलत कर रहा है, वहां पे आपको प्रॉब्लम चालू होता है। इसलिए आई मैं आपको ले जा रहा हूं। एवरीबॉडी रेडी नाउ? रेडी? आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। तो अब मैं आपको ले जाता हूं वहां पे, सभी लोग जवाब दे, जल्दी से चालू करें, सब लोग साथ में रहना, इस क्वेश्चन में आगे मत जाना। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा दर्द कहां पे हो रहा है। चालू करें, कॉन्सेंट्रेशन, सुपर क्वेश्चन है, सुपर। चलो क्या लिखूं मैं यहां पे, यहां पे पर्टिकुलर्स लिख दूं,
पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, सेल, यहां पे लिख देता हूं जी अमाउंट, कितना लिखूं सेल में, 84 लाख, कोई डाउट है इसमें, वेरी गुड, सब लोग मेरे साथ साथ संग संग रहना, कहीं मत जाना जाना क्योंकि तुम्हें वापस यहीं आना, पर्टिकुलर्स अमाउंट सेल कितना 84 लाख, यहां पे ठीक है, ओके आगे बढ़ जाए, माइनस क्या करूं, और फिर क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास लिखा हुआ, बताएंगे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 23,14,000, ये कहां से आ गया आपको, रेफर पीवी रेशो, रेफर पीवीआर यानी कि पीवी रेशो, वापस बैक कैलकुलेशन करोगे आप, माइनस करेंगे 23,14,200, 60,85,000, यहां तक तो सही लग रहा सर, माइनस कर दिए सर फिक्स कॉस्ट से, ऑलरेडी गिवन है 6,96,000, लॉक कर दे, यह आएगा EBIT, आंसर इज व्हाट, 16,18,000, चलो ये बात भी ठीक लगती है, अच्छा लगता है ये भी, आर यू ओके विद दिस, अभी यहां से चलोगी दर्द भरी कहानी, अभी हम लोग, अब मैं पहले गलत करूंगा आप नहीं करेंगे, मैं आप जो लिखूंगा वो गलत है, मैं जो लिख रहा हूं वापस से, मैं लिख रहा हूं गलत है, मैं गलती करूंगा फिर बताऊंगा गलती क्या था तो क्यों करना चाहिए, इंटरेस्ट कितना भैया, 4 लाख, सही है, अब इसका EBT कितना आना चाहिए, 11 लाख, आप देखो गलती चालोगे, आप से एक काम करेंगे सभी लोग मेरे साथ रहे ना, ये देखो मैंने इंटरेस्ट कहां से लाया पता है ना, ऊपर ही दिया हुआ था, वहां से ऊपर आया ना, ऊपर से बॉन्ड का इंटरेस्ट है, ये गिवन है, कोई मुझे बताएगा आपके हिसाब से DFL कितना है कैलसी पे, EBIT / EBT, तो मैं यहां पे ये सब जो रेट में लिख रहा हूं सब गलत है, EBIT / EBT, EBIT कितना है, 16,18,200, 1,174,200, आंसर बोलो, 1.637, जो भी 1.378 आ रहा है मेरा, लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी देखें, और एक्चुअल DFL कितना है, DFL गिवन 1. अब आपको तो प्रॉब्लम हो गई, अब आपको ये लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन तो गलत नहीं, ये कैसे हो सकता है, दोस्तों इनमें कैच है, जो DFL उन्होंने दिया वो सच है, नाउ द क्वेश्चन इज आपने जो इंटरेस्ट लिखा ना, आपको इतने से और अदर इंटरेस्ट ऐसा अज्यूम करना है कि कंपनी ने और कोई लिया हो सकता है डेटा जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता होगा, यानी कि अगर मैं दो, सुनो सुनो मैं जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना, एकदम क्रिटिकल चल रहा है, इससे ज्यादा क्रिटिकल अभी तक हुआ ही नहीं कोई भी क्वेश्चन में, उनका दिया हुआ DFL ही 1.49 सही है, यानी कि ये डेटा है पूरा गलत, यानी कि वन, अब आपको पूरा प्रयास करना है कि ये जो 444 जो है, यानी कि मैं इसको काट देता हूं, इन सबको भी काट डालता हूं, और अब आप ध्यान से मेरे पास देखिएगा, यहां पे मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं लिखूंगा EBT और मैं वापस से लिखता हूं अदर इंटरेस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं सर, ऐसा कैसे क्वेश्चन में तो कुछ भी देने का, अदर इंटरेस्ट कहां से लाया आपने, सुनो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपको ऐसा अजम्पशन डालना है बिकॉज ये क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, ये क्वेश्चन ICA के मॉड्यूल का है, मेरा नहीं है, और जैसा ICA ने सॉल्व किया मैं भी वैसा ही कर रहा हूं, और वो सही भी है, उन्होंने क्या, अगर उनको लेवरेज क्या, लेवरेज दे रहा है 1.49, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व कर लूं मैं तो 1.37 कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब इनके इसमें कुछ और भी इंटरेस्ट है, जो क्वेश्चन में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको समझना, अच्छा 1.49 है इसका मतलब कुछ तो और भी इंटरेस्ट होगा, हो सकता है बॉन्ड जो लिखे ना बॉन्ड, उसके अलावा हो सकता है कुछ अलग इंटरेस्ट उनके इसमें होगा, हो सकता है कुछ और लोन भी लिया होगा, इसके लिए आपको अदर इंटरेस्ट ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और आपको यहां पे
यही ईबीटी लाना पड़ेगा, समझ आ रहा है? अभी आपको उतना ईबीटी लाना है, यानी कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में, क्या हम लोग ढूंढ के निकालते हैं? डीएफएल। पर इस क्वेश्चन में डीएफएल ऑलरेडी दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान से हैं एकदम, एकदम बहुत क्लियरिटी से। मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, देखो बच्चों डीएफएल कितना है, वन, उसका फॉर्मूला क्या था, 1. एबीआईटी कितना है, 16,18,200, और मैं ईबीटी की जगह खाली छोड़ देता हूं। अब मैं उल्टा करता हूं कि ईबीटी कितना होगा, आप लगा रहे ईबीटी कितना, ईबीटी आएगा 10,86,000, सही है सर? हर क्वेश्चन में ऐसा, हर क्वेश्चन में बेटा बाय डिफॉल्ट डीएफएल नहीं दिया होता, इस क्वेश्चन में डीएफएल दिया है, आपको उल्टा जाके हर क्वेश्चन क्या होता है, इंटरेस्ट देते आपको डीएफएल निकालना होता है, इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्ट दिया और कुछ दिया नहीं है, ओके? तो अब आपके पास में ये डेटा जाएगा आपके ठीक यहां पे, आपको समझ रहा कहां पे जाएगा ये जाएगा इस बॉक्स के अंदर, आर यू गेटिंग इट? क्या लिखूंगा मैं, 10,86,040, कोई बात नहीं, 0040, ओके, 86,040, एवरीबॉडी गॉट इट? अब क्या किया बताओ मैंने, 10,86,040, अब आप मुझे बताओ ये फिगर कितना आएगा? अभी आपको इनके दोनों के बीच का गैप चाहिए, तो 16,18,200 माइनस 10,86,040, दिस अमाउंट कम्स अराउंड 5,32,160, इन दोनों का टोटल कितना चाहिए, 5,32,160, जिसमें से बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना है, 4,44,000, तो जो बचा वो कितना है, 88,000, यही इस पूरे क्वेश्चन की जान है, बाकी इस क्वेश्चन में और घंटा कुछ नहीं है। ये साला उन्होंने 1.49 अगर दिया नहीं होता ना क्वेश्चन में डीएफएल, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी काम कर नहीं पाए, एक सबसे वाहियात क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के। या आप पहले लिखना स्टार्ट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कोई भी डाउट है मुझे रोक सकते हो, एनी डाउट प्लीज आस्क मी, स्टूडेंट्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। ये आपने लिखा पर इसका वर्किंग नोट कहां से आएगा, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, ये हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा मतलब इंटरेस्ट हमने बैलेंसिंग फिगर पकड़ा, अच्छा मत दिखाओ अलग अलग, एक साथ ये दिखा दो, ये बोल रहे दो दो इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा, अगर डायरेक्टली ऐसा लिखा तो चलेगा, चलेगा तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा, मॉड्यूल में ऐसा लिखा, मैंने लिखा जो क्वेश्चन में बॉन्ड का लिखा ना, बॉन्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या लिखा, अदर इंटरेस्ट ऐसा उसके नीचे, कुल मिला के टोटल इंटरेस्ट तो इतना ही है, और यहां पर मैं लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर, ये अगर आपका हो गया होगा, किसी को डाउट है अभी पूछ लो, डाउट सीने में लेकर मत जाना घर पर दर्द होगा, कोई भी डाउट है इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी, एनी डाउट यू हैव, वापस क्या बोला, हाँ नहीं आप ये करेंगे ना, यही तो है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, आप लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में डीएफएल हमें नहीं निकालना, उन्होंने जो डीएफएल दिया उसको यूज करना है, हर क्वेश्चन में क्या होता है, ईबीआईटी दिया होता है, इंटरेस्ट देते हैं, ईबीटी देते हैं, तो अपने को डीएफएल लगेज निकलता है, यहां पे डीएफएल दे रखा है पहले से, इट वॉज योर वर्किंग नोट नंबर 1, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर, हाँ बेटा पूछो, नहीं बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज द कैटेगरी आफ्टर कमिंग आफ्टर ई, इट इज कमिंग आफ्टर ईएटी, बेटा पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वहां पे उसको देख के लग रहा नहीं है कि वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा,
आप चाहे तो इस क्वेश्चन में ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं है, और आपको मैं बताना चाह रहा हूं इस सब्जेक्ट में बहुत अजम्पशंस लेना पड़ते हैं। ये एफएम है, आपको पता है एफएम और मैथ्स में क्या फर्क है? एफएम इज अ मेड अप ऑफ लॉट ऑफ अजम्पशन, इट इज नॉट लाइक मैथ्स 2+2 इज ऑलवेज 4, ऑलवेज देर आर सम इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू अज्यूम। तो यहां पे आप अज्यूम कर लो कि प्रेफरेंस स्टूडेंट नहीं है। ओके चलो मैं आगे जाऊं ऊपर, चलो आप, अरे अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, अब चलो बात आगे, आपने क्वेश्चन आ गया तो अब क्या करेंगे? ईबीटी है, अब बताओ क्या करेंगे? अब टैक्स कितना है? टैक्स कितना भाई? ये है आपका टैक्स, वो कितना परसेंट है? तो इसका 40% लो, कितना आएगा? 434,100। ठीक है, ओवर डन। अब क्या आएगा आपके पास में? कितना है पैट? 51,000। ये आपका पैट। अब पीडी तो है नहीं, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर आपने निकाला था 5,00,000, कितना बचा है? 1.30। ईपीएस इज इक्वल टू, सर एक बार एक बताओ, 5,32,000 कैसे आए? ओए मेरी जान। बेटा हमने क्या करा ना, इस फॉर्मूले से ये निकाला, ओके, क्योंकि डीएफएल दिया था, फिर हमने इस 10,86,000 को हमने यहां लिख दिया, फिर यहां पे 16,18,000 थे, तो ये ऑलरेडी गिवन है, ये फॉर्मूला से आया, जो दोनों का बीच का यही है। ओके मेरी एज 17 साल की है और मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना है। 17 साल की उम्र क्लास, आप में से कोई मुझे डॉल निकाल के बताएगा? डू इट फास्ट गाइस। डॉल इज इक्वल टू बताइए कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना हो रहा है? 23,14,200 डिवाइडेड बाय 16,18,200। आंसर इज आउट 1.43। क्या मैं 1.43 लिख सकता हूं? अगर चाहे तो डिटेल में लिख दें यहां पे। कॉन्ट्रीब्यूशन 23,14,200 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 16,18,000। क्या आप मुझे डीसीएल बता सकते हो? डीसीएल इज इक्वल टू डीएफएल मल्टीप्लाइड बाय डीओएल, 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 1.49। आंसर बोलेगा 2.3। आंसर जो इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही दर्द हुआ, उन्होंने डीएफएल पहले से दे रखा था। द डीएफएल वॉज गिवन इन एडवांस, दैट्स व्हाई यू वर सपोज टू डू ऑल दिस। इफ द डीएफएल वुड नॉट हैव बीन गिवन, दिस आंसर वुड हैव बीन सो इजी। सोचो डीएफएल नहीं देते तो क्या होता? अच्छा होता, वो जो 4,44,000 का इंटरेस्ट है ना, उतना ही इंटरेस्ट मान के हम लोग आगे बढ़ जाते। जस्ट रिमूव डीएफएल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दिस विल बी वेरी इजी। बट बाय दे वांटेड टू क्रिएट सम सीन इन दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैच तो देंगे ना भाई, तुम के बीकॉम में थोड़ी ना हो। इजी क्वेश्चन है, बट दे मेड इट लिटिल डिफिकल्ट बाय यूजिंग डीएफएल। अच्छा कोई डाउट है तो पूछ लो भाई अभी भी। मेरे को एसपीसी में पार्टनर बनना है, वैल्यूएशन मेरे हिसाब से 150 करोड़ आना चाहिए। अच्छा कितना इक्विटी लेंगे आप? एवरीबडी कितना डायल्यूट करें बताए, 10%, 20% कितना लेंगे? कोई डाउट है इसमें? अभी मैं पॉइंट टू बी नोटेड में चले जाऊं, मुझे पॉइंट टू बी नोटेड में कुछ लिखने का मन है। बताओ इसमें पहली बात तो हाईलाइट किसको करेंगे आप? ये अदर इंटरेस्ट को हाईलाइट करें, और ये पूरा के पूरा वर्किंग नोट जो है ना, ये वाला, ये पूरा मेरे हिसाब से हाईलाइटेड पार्ट है। दिस पार्ट इज कंप्लीटली हाईलाइटेड। जब मैं हाईलाइट बोलता हूं, इज्जत से हाईलाइट करें, और वहां पे पॉइंट टू बी नोटेड लिखो। Use 1.49 for
DFL. By using 1.49 DFL, find out EBT. Then find out total amount of interest. वो स्क्रीन चला गया काहे भी हो गया पूजा ने यूज 1.49 फॉर किसके लिए डीएफएल बाय यूजिंग 1.49 डीएफएल Find out, then find out total amount of अरे ऐसे कैसे जा रहा है I'm not sure. आपने लिखा हो मैं डिक्टेट ही कर देता हूं आज के मैं कभी नहीं लिखूंगा इसे यूज 1.49 फॉर डीएफएल बाय यूजिंग 1.49 डीएफएल फाइंड आउट ईबीटी देन फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कोई डाउट है लाइव स्ट्रीमिंग में तो पूछ सकते हैं कैन आई प्रोसीड फर्दर गाइस बाय यूजिंग ईबीटी यू कैन हैव टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओके आर यू रेडी गाइस कम ऑन एवरीवन आर यू रेडी कम ऑन गाइस आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 उसके पहले मेरी इच्छा है मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 6 बस 2 मिनट के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं Are you ready for question number 6, guys? From the following information extracted from the books of accounts of IMAX Limited, calculate the percentage change in EPS. ऐसा कोई formula में आता है क्या? Percentage change in sales. ऊपर ईपीएस सही बोल रहा हूं ईपीएस जब आप डीसेल देखो डॉल के फॉर्मूले का परसेंटेज चेंज इन सेल्स उसकी वजह से परसेंटेज ईबीआईटी कितना हुआ डीएफएल में क्या देखते हो आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी उसके से आपका कितना चेंज हुआ परसेंटेज इन ईपीएस जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ऊपर ईपीएस और नीचे मिलता है सेल्स तो आंसर क्या बना डीसीएल का परसेंटेज चेंज इन सेल्स जिसको नहीं आ रहा कल के फॉर्मूला देख लीजिएगा परसेंटेज चेंज इन अच्छा ऐसा फॉर्मूला है क्या हाँ ऐसा ही है ओके रेडी नाउ गाइस कम ऑन अरे डीसीएल का फॉर्मूला भाई डॉल और डीएफएल को मल्टीप्लाई करो ये बच्चा पैदा होता है आप जरा बताएंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है इफ द सेल इज इंक्रीज बाय वो बोल रहा आपका सेल 10% से चेंज हुआ आपको परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है ईपीएस निकालना है पर ये करने के लिए तो आपको क्या चाहिए तो जब तक आपके पास में डीसीएल नहीं आता तब तक ये सॉल्व नहीं होता तो इसलिए मैं यहां पर सिर्फ डीसीएल लिख देता हूं ये क्वेश्चन ये गुत्थी तब सुलझेगी जब आपको डीसीएल निकालते हैं
तो आपको ये बताना है कि पूरे क्वेश्चन में विल यू बी एबल टू फाइंड आउट DCL कैसे? यहां पे इन्होंने इस क्वेश्चन में EBIT दिया हुआ है, EBT दिया हुआ है, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट दी है। एक काम करेंगे हम लोग अच्छे से, एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, अपने आप सब बच्चे पैदा हो जाएंगे। एक मिनट को, बच्चा पैदा करने के लिए, मैं बोल रहा था बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा बोल रहा था मैं। I mean to say DCL को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? You need what? Guys, to get DCL, you should have doll, you should have DFL. दोनों को मल्टीप्लाई करो, बच्चा DCL वाला निकलेगा। क्या आपको डॉल के लिए क्या चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन आई थिंक मिल जाएगा यहां से। DFL के लिए क्या चाहिए? EBIT अपॉन आपका समय शुरू हो रहा है। आप मुझे डॉल DFL DCL निकाल के बताओ ना, अरे करो ना। चलो मैं शुरुआत करता हूं, आप खत्म कर देना। एक काम करते हो क्या? हाँ हाँ, रुको रुको, इस पेज में कुछ आप और मत लिखना, अगले पेज पे लेट जाओ ना, पूरा अगला पेज खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि यहां पे क्या है ना, बहुत सारी मुझे और कुछ लिखवाना है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाना, यहां पे मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखता हूं मैं अमाउंट। अच्छा सर, यहां पे तो सेल तो दिया ही नहीं। बेटा डॉल के लिए सेल जरूरी क्या? नो, वेरिएबल कॉस्ट नो, यू नीड ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन। वैसे आपके समाधान के लिए मैं लिख देता हूं, लिखने दो ना। क्या आएगा? EBIT माइनस क्या करूं, क्या आएगा? चलो आपका समय शुरू हो रहा है, डॉल करो, DFL निकालो, DCL तक पहुंचा दो मुझे बस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। डन क्या? FM के सिलेबस में ये आ सकता है कि छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें। बेटा वो SM में आता है। क्वेश्चन दिखाओ सर, हमारे पास क्वेश्चन नहीं। ये ले लो क्वेश्चन, आप हमारी चैट पढ़ो। ओके पढ़ लिया। बेटा आपको क्वेश्चन बुक ऑलरेडी लिंक करी हुई है, वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हो मुन्ना। देख लीजिए क्वेश्चन आया क्या आपके पास में। आपने किया? DCL तक पहुंच गए क्या? तो डॉल किधर है? डायरेक्ट DCL ना। आ गया डॉल DFL। प्रेजेंटेशन अच्छा करा, अगला पेज खाली पड़ा था तेरे पास। क्या लिखा आपने? डॉल एंड DFL आ गया, तो DCL भी निकाल लो, करो। हो गया डॉल DFL, यू गॉट DCL और हो गया क्या? डॉल DFL बोथ। ओके डू इट फास्ट गाइस, जिसका नहीं रह गया कर लो जल्दी से। क्या मिडल रहा? हो गया क्या आपका? डॉल भी DFL भी DCL, वो पहले वाला कंप्लीट कर लो फिर DCL। कुछ लोग बोल रहे हो गया हो गया, आप बताओगे जिनका हो गया डॉल कितना आया? 1.0
1.05? यहाँ पे तन्वी कह रही 1.05, हाँ आप भी वही कह रहे हैं, और वो कह रही 2.25 DFL, और वो DCL 2.36 कह रहे हैं। दोस्तों अभी एक बार देख ले, जिनको नहीं आया वो समझ ले, ध्यान से सभी लोग देख। शुड आई प्रोसीड गाइस, कम ऑन, चलो बोलो। सेल वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? नहीं। अब बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? मालूम नहीं, पर हमें फिक्स कॉस्ट जरूर मालूम है। ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, मैं कहां लिखूं? 1 लाख, 1,57,000 बराबर है। आप बता दो, उसके बाद में क्वेश्चन लिखा है EBIT लिखा है, यानी कि 31 लाख, तो इसको एड बैक कर दो। 31,50,000 प्लस 1,57,500, आंसर इज व्हाट? 33 लाख। सही चल रहा है। अब बता दो, इन्होंने अर्निंग बिफोर टैक्स लिखा है 14 लाख, तो इंटरेस्ट तो निकल जाएगा 17,50,000, 17,50,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। कोई शक सवाल इसमें? क्या हमारे पास में डेटा है सब कुछ? यस। DFL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन DOL, EBIT। बोलोगे दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 33,07,000। EBIT सो मच 31 लाख, 1.05 डॉल। सर कैन वी फाइंड आउट DCL ऑल्सो डायरेक्टली? यस, अगर आपको DCL का फॉर्मूला याद हो वो भी कर सकते हो। EBIT अपॉन EBT, EBIT कितना है? 31 लाख अपॉन EBT कितना? 2.25 गाइस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या मिलेगा? 2.3। हाँ कुछ पॉइंट्स आया होगा कुछ, ठीक है ना। आप में से कितने लोग सही आए? एवरीबॉडी। अब इसका ये आंसर दी एंड नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कि आपको परसेंटेज चेंज इन EPS बताना है। अगर आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% से हुआ है, यानी कि हमने ये फॉर्मूला जब लिखा DCL का, जिसमें EPS और सेल्स दोनों भी यूज होते हैं, फ्रॉम विच सेल इज ऑलरेडी देयर, DCL वी हैव फाउंड आउट जस्ट नाउ, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट EPS। तो कितना DCL कितना हुआ? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड कितने से करूं? आंसर कितना आएगा? अब इसको मैं परसेंट बने की, इसको एक्चुअल में मैंने 10 लिखना चाहिए, क्योंकि उसके नाम में ही वो है परसेंटेज, तो 10 लिखूंगा, ठीक है ना। तो बोलो आंसर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS इज इक्वल टू 23.6। कितने लोग आंसर सही है? टेल मी, इस पूरे क्वेश्चन में सभी ने जवाब दिया, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दर्द दे सकती थी एग्जामिनेशन में? ये जो लिखा नहीं, ये कुछ काम का नहीं था, ये जो ये पूरा टाइम पास है, ये पेज, ये जो आपने किया सब टाइम पास था। व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट दिस वन, कि वो जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपका सेल इतना चेंज हुआ तो EPS कितना चेंज, तो आपके दिमाग में अरे ऐसा कोई तो फॉर्मूला है जिसमें EPS और सेल्स दोनों भी आता है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, ये हाईलाइट वाला पार्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड में जाओ और लिखो, DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट, सेल एंड परसेंटेज चेंज इन, कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ उसकी वजह से कितना आपका EPS चेंज हुआ। अच्छा, हर क्वेश्चन में आप पॉइंट टू बी नोटेड इसलिए लिखवाते हो ताकि हम लोग जब रिवाइज करेंगे और एग्जामिनेशन के पहले दिन टाइम नहीं मिला
तो हमारी नजरें एटलीस्ट उस पे तो जाना चाहिए जो पॉइंट भी नोटेड है. कितने लोग आया आंसर? सब लोग? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस. करवा रहा हूं. कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मेगा लिमिटेड. क्या नाम है? क्या नाम है? क्या मैं आपके हवाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं? वैसे देखकर बड़ा क्यूट सा लग रहा है, एक बार उसका क्यूटनेस रीड आउट करते हैं. प्रोडक्शन लेवल 2500 का है. आपको मुझे लगता है अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में डॉल डीएफएल वो नहीं निकालना है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है ऐसे. इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले पर्टिकुलर्स क्या बनेगा यहां पे? अमाउंट. अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. इनकम स्टेटमेंट बना दीजिएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट आपने लिख दिया होगा. सर यहां पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो तो लिया ही नहीं, कोई बात नहीं. वैसे भी हमें उनमें दोनों में इंटरेस्ट होता है, हमें तो इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज हमारे फॉर्मुला डॉल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है. आर वी इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट? नो, एक्चुअली नॉट. We do sales and variable cost because we want to get the information of contribution. So actually we are not interested in what sales and variable cost. We are interested in what? Contribution, which is already given. Kya aap bata sakte 150 ko multiply karo 2500 se? Likhna start kare. Contribution kitna likhu main? 2500 multiplied by 150. 375,000. अच्छा सर, ये तो क्लियर समझ में आया. अच्छा आगे देखते हैं. डॉल लिखा, डॉल दे रखा. एक मिनट, में डॉल से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हूं. डॉल का फॉर्मूला क्या है? यानी कि मैं डॉल मालूम है, कंट्रीब्यूशन मालूम है, ईबीएट निकल के बाहर आएगा. तो ये दोस्तों अगला पेज खाली पड़ा है आपके लिए. क्या बता दो यहां पे, वर्किंग नोट नंबर 1, डॉल इज इक्वल टू क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन, और हमें क्या मालूम नहीं है, पर डॉल मालूम है क्या, वो कितना है? तो बता दो ईबीआईटी कितना निकल के बाहर आएगा? 375 को 6 से डिवाइड करो, 62. ये देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज थी. कंट्रीब्यूशन मालूम था, डॉल ऑलरेडी. अरे हर क्वेश्चन में अपन डॉल निकालते रहे बाबा, इस क्वेश्चन में डॉल दिया हुआ है, ईबीआईटी ने उल्टा दिया. जरूरी नहीं कि आपको एकदम हमेशा सा वैसा क्वेश्चन आए जैसा आप सोचते हो. हां जी, कुछ क्वेश्चन में हाँ 2500 दिया प्रोडक्शन है. हाँ पर आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या मानेंगे? हाँ तो सेल है तो सेल लेंगे. अभी दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास, आपके पास और क्या है? ईबीआईटी कितना है? 62,500. बचा क्या निकला बीच में? 312,500 is the fixed cost. मैं आगे आपको अपने हवाले छोड़ना चाहता हूं. आपको DCL दिया हुआ है, आपको DFL दिया नहीं है. आपके पास डॉल है, DCL है, पर DFL नहीं. What's the answer guys? Come on, 1, 2, 3, 4. कैसे निकाला आपने? सर डॉल को मल्टीप्लाई करो DFL से तो DCL आता. तो डॉल कितना है? कितने लोगों को डीएफएल आया? 4 आंसर मन से आ गए आपके. ये है वर्किंग नोट नंबर 2. डीसीएल इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफ. डीसीएल कितना है बच्चों? डॉल कितना है? और डीएफएल मालूम? इसका डीएफएल कितना आया? डीएफएल इज 4. डीएफएल इज 4 गाइस, कम ऑन. अभी आप खुद से करो, अभी ये नीचे लेट जाओ.
प्लीज टेल मी व्हाट इज इंटरेस्ट. आ गया का तो व्हाट इज ईबीटी, देन व्हाट इज क्वेश्चन में निकालना क्या है वैसे, टैक्स रेट कितना है, ये कंप्लीट करो अभी. सर हमें कैसे मालूम इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, कौन बताएगा इससे आगे कैसे जाएंगे. अच्छा हमारे बीच में आ रहे सुनील शेट्टी, बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं से लेता हूँ, माइक के पास में रखिएगा. हेलो बेटा, आपको ईएटी तक पहुंचना है, आपके पास में इंटरेस्ट नहीं है, ईबीटी नहीं है, टैक्स आपका 30%. आप कैसे निकालोगे ईबीटी? ईबीटी सर तो पहले इसकी आवाज कम करो थोड़ा सा. ईबीटी के लिए डीएफएल का फॉर्मूला डालेंगे, ये आ गया डीएफएल 4. तो अभी निकालो डीएफएल, DFL is equal to EBIT, EBIT, EBT. सही लिख रहा है? बराबर है. ये बोल रहा है DFL is equal to EBIT upon EBT, सही लिखा है? Very good. DFL कितना है? 4. तो हाँ, DFL कितना है? 4 है. Very good. और EBIT 62,500. EBIT है 62,500. लिखो, मैं लिखूँ? आप बोलो मुझे डिक्टेट करो ना. 62,500. अपॉन क्या कर दूँ? EBT. तो अब ईबीटी कितना आ जाएगा? 62,500 डिवाइडेड बाय 4. डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा जरा लो ख्याल से. 62,500 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 15,625. इसको कहाँ लिखूं सर? ईबीटी. ये आ गया आपका 15,625. ये क्या है? ईबीटी निकला. अब बताओ इंटरेस्ट कितना आया? बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट करके दिखाओ. -62,500 कितना आएगा? 46,875. टैक्स 30% है? 30% 15625 इनटू 30% कितना आया? 4687. 4687 सर ये पैट है अपना. पॉइंट टैक्स हुआ, ये टैक्स है ना 30%. हाँ तो -15625 10,937. ये क्या है उसका? पैट. पैट है. कितने लोगों का सही आया आंसर? एवरीबॉडी सही है. बिल्कुल बेटा बहुत आगे जाएगा तुम. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. सुनील शेट्टी बहुत आगे जाएगा बनना. तो इतना अच्छा लगता है ना रोज क्लास में आता है. वेरी गुड. हाँ जी बोलो क्या बोल रहे हैं? टैक्स गलत हुआ क्या? पॉइंट बाय. अरे यार छोटी बातें. टेक इट इजी उर्वशी. टेक इट इजी उर्वशी. गाइस कितने लोगों का सही आया? अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था अलग? एक चीज थी अलग, आपको डॉल और डीसीएल से ढूंढना था डेवल क्या है, और एक बार आपको डेवल मालूम हुआ तो साथ में आपको ईबीआईटी दिया था. यू आर एबल टू गेट व्हाट? ईबीटी एंड देन यू आर डन. तो पॉइंट टू बी नोटेड में क्या लिख दू सुनील में अभी? सो पॉइंट टू बी नोटेड में हम लोग को ये डॉल दिया था, डीसीएल हाँ. दिया था, तो क्या लिखूं मैं अभी यहां पे? क्या करो सर? डॉल से अपन ने ईबीआईटी ढूंढा, लाइक डॉल की वजह से ईबीआईटी मिला. फाइंड आउट ईबीआईटी ना, फाइंड आउट डीएफएल. अरे जाएगा यार. बाय यूजिंग डॉल एंड डीसीएल. हाँ सही. फाइंड आउट डीएफएल बाय यूजिंग डॉल एंड डीसीएल. ये आपका पहला पॉइंट बराबर है कॉमा. बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग DFL एंड EBIT. फाइंड आउट क्या है वो? EBT. By using DFL and EBIT, find out EBT. सुनील yes, I'm proud of you. बहुत अच्छे से जवाब दिया. बहुत अच्छे.
Are you ready, guys? Come on. Are you ready, guys? Garnier Bright Complete Vitamin C Serum. I am on question number 8. Are you ready for it? Okay, guys, I'm on question number 8. Are you ready for it? The capital structure. बेटा मुजरा ही कर लेता हूं उसने लाइट भी बंद कर दिया मैं बोला मुजरा क्या चाहिए आपको अभी क्या करते हैं So baby calm down, let's start question number 8. The capital structure, इस question का जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप साथ में आप लगा देना हमको भी मौका दो मेडल मिस पूजा जैन अब आपको मैं कैसे मेडल पहुंचूंगा आप मुझे बताओ सर आप हमसे क्वेश्चन नहीं देते हैं हमने क्या गलती करी नहीं नहीं ऐसा आपने थोड़ी ना गलती करी है बेटा हम आपको जीपे कर देंगे डोंट वरी अगला प्रश्न हम लोग अभी जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में उनसे पूछेंगे ठीक है ना अभी और तुरंत ही जीपे कर देंगे आपको ऑनलाइन दे देंगे देखते हैं कौन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से सवाल का जवाब देंगे जरूर वीडियो कॉल करना तुरंत ही व्हाट्सएप पे ओके कैपिटल स्ट्रक्चर जीपे भी कर देंगे बेटा कोई इसका स्पॉन्सर बनना चाहता तो बोल सकते हैं एनीबडी वुड लाइक टू बिकम स्पॉन्सर ओके अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 रेडी नाउ 1 2 3 स्टार्ट नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड दिखा है लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है 100 रुपए का एक है बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000 नजर आ रहे हैं 10% डिबेंचर 10 लाख का 10% बताओ इंटरेस्ट कितना है नहीं नहीं इंटरेस्ट बताओ 10 लाख का 10% 1 lakh रुपीज इज द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल डिक्रीज टू 2 लिखा है यानी कि 1 लाख हो गया अब एज कंपेयर टू 120 हो सकता कोविड आ गया होगा सो अर्लियर प्रीवियस ईयर इट वॉज 120 नाउ इट हैज बिकम 1 lakh हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड 12 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 8 आप मुझे बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना सेल प्राइस 12 की है वेरिएबल कॉस्ट 8 का है द आंसर इज 4 द आंसर शुड बी 4 12 रुपए का सेल है 8 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 लाख दोनों का भी कॉन्स्टेंट है चाहे पिछले साल की बात करो चाहे इस साल की बात करो इनकम टैक्स तो दोनों का सेम है आपको दोनों का डॉल दोनों का डीएफएल निकालना है आपका समय शुरू होता है अब मैं कुछ नहीं करेगा आप लोग करेंगे 3 कॉलम आपको ड्रॉ करना है सर कैसे मतलब ऐसे बेटा देखो पर्टिक्यूलर्स ये है प्रीवियस ईयर ये है करंट ईयर कितनी क्वांटिटी थी प्रीवियस ईयर में 1 lakh अभी कितनी हुई अब आप क्या करेंगे सबका सेल वैल्यू निकालेंगे सबका क्या निकालेंगे कुछ लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहुंच सकते हैं इन दो स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं आपका हो भी गया ओके जिन लोग का लाइव स्ट्रीमिंग में हो गया जल्दी से मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करें
और अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर मैं इनसे पूछूंगा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैं दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देता हूं, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे फिर क्या आएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर देंगे आएगा ईबीटी, माइनस टैक्स करेंगे आएगा ईएटी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे आएगा ईपीएस। अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग से किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया, अफसोस। मैं 10 तक काउंट करूंगा, कॉल कर देना मुझे। Oh, it's over or what? So early. सर कोई तो मुझे कॉल कर रहा है व्हाट्सएप पे, नहीं ऐसे कर, हेलो हो गया, हो गया, सर क्वेश्चन दिखाओ, देखो बेटा आ गया, हो गया पूरा, कब से हो गया, आपका भी हो गया, कैसे कर लेते हो इतने जल्दी। हाँ तो सर, हेलो, हेलो, स्वप्निल सर है, स्वप्निल सर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे डाउट था एक क्वेश्चन। अभी अभी आप क्लास देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग। अरे होए, कौन से क्वेश्चन पे डाउट है, 7 या 8? हेलो सर, मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। 4 में? 4 आज? 4 में सर, अपन ने जो वो फंक्शन लिया था एक्स्ट्रा इंटरेस्ट करके लिखा था अपन ने। हाँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपन ने अपने मन से लिया था, तो वो असम्पशन था, एक नोट लिखना पड़ेगा ना। हाँ बेटा लिखवा देता हूँ। ओके सर ठीक है। कहाँ से बोले आप? सर मैं नागपुर से। ओके मैं लिखवा देता हूँ, है ना। हाँ सर ओके, थैंक यू बेटा, ओके। आप जवाब देंगे लिखे, आप आए थे इसके पहले कभी यहाँ? कभी नहीं। हाय चिंत्री, आप अग्रवाल हो ना? इसके पहले आई थी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। छवि, हाँ आई रिमेम्बर। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, अफसोस। आप में से कितने लोगों हो गया? अब रियली बेटा अभी काम करेगा अपन, चालू करें। ये आपको लिखना है यहाँ पे एक एक करके, ये बुक यहां रख दे, यहां रख दूं मैं ले लूं, ठीक है। अभी आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट करो ही मत। सेल कितना है? 12 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। तो कितना का कॉन्ट्रीब्यूशन है? 4। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो क्वांटिटी से, और इधर 4 को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से। कंट्रीब्यूशन से डायरेक्ट कर दूं ना? बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4,80,000 प्रीवियस ईयर का। ऐसा नहीं, आप ऐसे यूज करो जैसे आप नॉर्मल पेन यूज करते हो, प्रॉपर कुछ नहीं, उसके ऊपर हाथ रख सकते हो आराम से, ऐसे प्रेशर से लिख सकते हो। हां जी, मल्टीप्लाई करके लिख दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं, 4,80,000। वेरी गुड, और इधर आएगा 4,00,000। बीच बीच में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, ओके? यस सर। अब फिक्स कॉस्ट की बात कर ले। यस सर, वो यहाँ पे बता दो फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 2,00,000। हाँ 2,00,000। 2,00,000 कब? प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में, दोनों में? फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम रहती है। ओके लिख दो फिर। यस सर, 2,00,000 इधर भी, 2,00,000 उधर भी, चलो ठीक है। क्या आएगा ईबीआईटी? अभी ईबीआईटी इधर आ जाएगा 2,80,000। 2,80,000 आएगा और इधर 2,00,000। सही ले रहे? ओके
इंटरेस्ट की बात कर ले बेटा। यस सर। सर इधर डिबेंचर्स जो दे रखे हैं 10 लाख पर 10% निकाले, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी 1 लाख निकाला था। यस सर, ये भी सेम रहेगा दोनों ईयर में। मतलब दोनों कॉलम में सेम क्यों रहेगा? क्योंकि सर डिबेंचर जो है एक लाइक फिक्स कॉस्ट है, लाइक डिबेंचर की जो अमाउंट है दोनों साल में सेम। सेल तो बदला ना, तो इंटरेस्ट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। नहीं सर, बिकॉज इट इज अ फिक्स कॉस्ट। यस ओके। 1 लाख कितना बचेगा अभी? 180 उधर कितना आएगा? 1 लाख चेंज करो इसको। तुम चार्ज नहीं करते हो इसको? क्या करते हो? ओके ओके, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? टैक्स। टैक्स 30% दे रखा है। टैक्स 30% क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस। अच्छा यहां तक कितने लोगों सही आया था? यू गॉट द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ओके, टैक्स 30% यानी कि 180 का 54,000 हो जाएगा। यस सर। और उसका कितना आएगा? 30,000 माइनस कर। अब कितना आएगा? ईएटी इधर आ जाएगा 1,26,000। 1,26,000 इधर आएगा 70,000। आप नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर ले, यहाँ पे दिया ही था 10,000। यस, डिवाइड कर दो 10,000 10,000। आंसर कितना आएगा इधर? 12.6 और इधर आ जाएगा 7। एवरीबॉडी कितने लोगों का सही आया? एपीएस एक बार चेक करो भाई, किसी का भी गलत नहीं आया। ऑसम। अभी आपको फाइंड आउट करना डॉल, यहाँ पे लिखो डॉल बेटा। क्या आपको डॉल का फॉर्मूला याद हो गया? Yes, लिखे बताओ वहां पे। अपॉन ईबीआईटी। चलो दोनों नहीं, आप एक इसके नीचे लिखो और इसके भी नीचे लिखो, ठीक है ना? ठीक। आप बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 480 और ईबीआईटी कितना है? 280। ये कितना आंसर है इसका? 1.71। 480 अपॉन 280। 1.71। तो यहाँ पे लिखो 1.71 और उधर वाले का कितना है? 4 लाख अपॉन 2 लाख। तो आंसर तो 2 आएगा। यस सर, आंसर इज 2। एवरीवन। यस सर। डीएफएल लिखो, फॉर्मूला बोलो। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। वो फॉर्मूला कब आता है जिसमें ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखो? यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं सर। ओके चलो फिर जवाब देंगे अभी। ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी 2,80,000। और ईबीटी कितना है? 1,80,000। 280 अपॉन 180 कितना रहे? 1.56। 1.56 देखो बेटा, 1.56 यहाँ पे 1. देखो 1. कहाँ थे अपन? What's the answer? 1.56 और उसका कितना आएगा? 2। आंसर 2 आएगा उधर का। क्या आपने सारे आंसर्स हो गए? अभी और कुछ बाकी है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अब पुराना ईपीएस कितना था? 12.6। अभी नया वाला कितना हुआ? 7। कितने लोग आंसर आ रहा है इसका? कितना परसेंटेज आ रहा है? 44.44। क्योंकि पहले 12.6 था, अब 7 हुआ, यानी 5.6 कम हुआ। कितने पे? 12.6 पे। करो जरा यहां पे लिखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। नीचे लिखो 12.6 और ऊपर कितना आएगा? 5.6। आपको समझता ना, ये इकोनॉमिक्स में था ना आपको पहले, कितने पे कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? 12.6, उसके ऊपर कितना चेंज हुआ? 5.6। तो 12.6 पे 5.6 चेंज हुआ। आंसर इज व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 100 करो उसको। 44.44%। कितने लोग? सब कुछ सही, सब कुछ सही। एवरीवन, एनी डाउट एवरीवन? नो डाउट? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सभी आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रही है आप। मेरी दुआ है जिंदगी में आप बहुत आगे जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऐसे आते रहे और आप ऐसे ही आंसर देते रहे। थैंक यू सो मच कमिंग हियर एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कुछ था लिखने लायक?
कैन वी अवॉइड सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट? कितने लोगों ने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अवॉइड कर दिया था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अवॉइड करके भी मैंने लिखा ना, तो टाइम पास मत कर देना ना। ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट है, यूनिट तो दिया है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे एक काम करो, वी कैन अवॉइड दिस, ऐसा लिखो, लिखो वी कैन अवॉइड दिस, कैन बी अवॉइडेड, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी आपके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपीज पर यूनिट दिया था। And the last question for today, guys, are you ready? Question number 9. Dosto, yahan pe likha hai the sale. Don't talk, guys. The sale, aap baat nahi karenge. The sale revenue of TM Excellence Limited. Guys, I'm starting with 9th question. Sale revenue of TM Excellence Limited. एट रुपीज 20 पर यूनिट आउटपुट कितना है भाई? और 20 रुपए का एक है और 20 लाख का, 20 लाख का आपने क्या बेचा? क्वांटिटी? नहीं नहीं नहीं, 20 का एक है और वैल्यू कितनी है, मतलब सेल वैल्यू कितना है? तो आप मुझे बताओ, नहीं नहीं आप मुझे क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी 1 लाख है, सेल वैल्यू 20 लाख, यानी 20 लाख तो पूरी सेल वैल्यू है और 20 रुपए का एक है, यानी कि व्हाट इज द क्वांटिटी? 1 लाख, 1 लाख विल बी द क्वांटिटी। एवरीवन बराबर है? अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके आगे द पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? बोलते भी नहीं आप। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 10 लाख है। अरे सेल दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट, अब प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट कितना है? 1 लाख। द डॉल ऑफ द कंपनी इज व्हाट? 2.5। हाँ कितना है? तो अभी आप समझ गए हो क्या बोल रहे हैं? अपना आ जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो आपका ईबीआईटी यहां से आ जाएगा। द कंपनी डज नॉट हैव प्रेफरेंसेस, कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 लाख, जो काम में आएगा आपको ईपीएस के लिए। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट 16%, 16% आपके पास डेट कितना है वो देखना पड़ेगा। कैलकुलेट ईपीएस निकाल देंगे। एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ द 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द ईपीएस। ये सबसे डेंजर पॉइंट है, डेंजर डेंजर का भी पप्पा यही है। वो क्या बोल रहा है? इन्होंने सुनो जरा, इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है, ओके? पर वो क्या बोल रहा है, आपका पूरा क्या पूरा अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी, वापस पढ़ दो, कैलकुलेट द ईपीएस एंड अमाउंट ऑफ डेट। आपको डेट भी निकालना है और ईपीएस भी निकालना है। इफ 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट द ईपीएस। आप इस पूरे ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये कोई तो फॉर्मूला में दोनों आते हैं, ये इनके दोनों के बीच में कोई रिश्ता है सर, ये डीसीएल के साथ में। आपका जब 25% सेल चेंज होएगा तो आपका ईपीएस वाइप आउट हो गया ना, 100% चेंज होगा, पूरा वाइप आउट होगा, मतलब 100% पूरा जीरो हो जाएगा। 25% आपका सेल गया नीचे तो आपका ईपीएस 100% नीचे, आपका 25% सेल नीचे तो आपका ईपीएस 100% नीचे, यानी कि ये दोनों के अंदर पता है क्या है? एक मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, यही इस पूरे प्रॉब्लम का की है, की ये अगर ये पॉइंट पहले हाईलाइट करो, इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा मतलब यहां पे गेम हो रहा है, यही तो गेम हो रहा है साहब। अच्छा मेरे पास देख लेना, जो वो काम का है पहले मैं कर देता हूं, फिर बाकी जो है ना जो रेगुलर वो आप कर लेना। DCL इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्या होगा इससे? सर 25% हमारा सेल कम हुआ ना, हमारा ईपीएस पूरा वाइप आउट हो जाता, यानी कितना हुआ है? तो मैं डीसेल इज हाउ मच,
अच्छा डीसीएल आ गया है और क्वेश्चन में जो जानकारी दी उससे लगता है डॉल तो आ ही जाएगा, तो डॉल है डीसीएल है, डॉल दिया है क्या, कहां दिया डॉल, डॉल 2.5 है, मैं डॉल लिख दूं यहां पे, आप बताएंगे डीएफएल कितना, इफ डॉल इज 2.5 डीसीएल इज 4 टेल मी व्हाट वुड बी डीएफएल, 1.6 यहां पे देख लीजिए एक बार, ये मुझे हाईलाइट करने वाला पॉइंट लगता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और अगर आपको ये पता है तो अब आपको क्या पूछा है, क्या निकालना है, वो बोल रहा है फाइंड आउट ईपीएस एंड इंटरेस्ट, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सर हमको आ जाएगा, इतना भी बेकार नहीं है, कितने लोग हो गया आपका, ओ अमेजिंग, आप लोग अच्छा, कोई जिसका नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मेरे साथ रहो, मेरी स्पीड भी रही तो आप पास हो जाओगे, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पर्टिक्यूलर्स अमाउंट, ये कितना है बच्चा सेल, ये है सेल 20 लाख, सेल दिया है सर, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली दे दिया, सेल नहीं भी लिखते तो चलता था, वेरिएबल कॉस्ट अब लिख देता हूं, क्या करे मेहनत करी थोड़ा सा और लिख देता, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंच गया, आप बाकी कर लो यार, डन पूरा, काइंडली कंप्लीट, आई थिंक आपको डॉल यूज करके आंसर आएगा, डॉल का फॉर्मूला क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, और क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन आ चुका है, डॉल मालूम है तो ईबीआईटी तो निकलेगा ना भैया, बना सकते कुछ अलग तरीका है क्या, एक बार चेक करने से आंसर मैच हो रहा है, तरीका हो सकता है, डन है, आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ ईबीआईटी बाय यूजिंग व्हाट, आंसर के हिसाब से डॉल देखते हैं, डॉल इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डॉल कितना दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 10 लाख रुपया, ईबीआईटी कितना आएगा, 4 लाख रुपया, ये देख लो ये इंपॉर्टेंट था, ये था आपकी वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा ध्यान दे दो इधर, चलो कितने लोग का ईबीआईटी 4 लाख आ गया, नहीं तो बस इसको घुसेर दो आंसर आ जाएगा, इसको 4 लाख लिख दिया मैंने, इसका नाम है ईबीआईटी, ये क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर लिख दूं, और ये आएगा रेफर वर्किंग नोट 1, ये आएगा आपका 6 लाख, क्या आपको इसके अलावा कोई जानकारी दी है, इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया ना, तो फिर इंटरेस्ट दिया नहीं है पर डीएफएल दिया है, क्या डीएफएल से इंटरेस्ट निकल जाएगा, डीएफएल इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में लिखा है ना प्रेफरेंस नहीं है तो इसलिए फॉर्मूला अपना सही है, ईबीआईटी और डीएफएल कितना है, 1.6, ईबीटी कितना है, 2 लाख 50,000, ईबीटी 250 आया मेरा, कितने लोग आए, 250
कितने होशियार हो गए रे बच्चों, लगता है मैं ढंग से पढ़ा रहा हूं। अभी आप जाए टैक्स में 1,00,000, आपका पैट 1,25,000, आपका पैट 125 है, वो आपको ईपीएस निकालने के लिए बोले थे। आपसे मेरा प्रश्न है, यहां पे उनके शेयर्स कितने हैं? 1,00,000 शेयर लिखे रहे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000, ईपीएस कितना है? 1.25। हाउ मेनी आर गेटिंग 1.25? एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था वैसे? अमाउंट ऑफ डेट पूछा था, ये उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पूछा था, अमाउंट ऑफ डेट पूछा था। यहां पे इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है 16%। देखो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट जो है वो 16% है, यानी कि ये जो संख्या है वो 16% है। तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? 16% इज इक्वल टू 1,50,000। आंसर कितना आएगा? वर्किंग नोट नंबर 3, डेट अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन कितना करूं? इंटरेस्ट कितना है भाई? कितना आएगा? 937,500। डेट की अमाउंट है इंटरेस्ट अपॉन 16%, यानी कि कंपनी ने 937,000 डेट उधारी पे लिए थे और उसके ऊपर 16% ही हुआ। एक 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 भाई बोलो मुझे, अच्छी बात है, पर एक मिनट, आप में से कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट नहीं आपको? मतलब बिल्कुल नहीं डाउट? इस क्वेश्चन में पॉइंट भी नोटेड में लिखो, ये मुझे जो डेट वाला पॉइंट है वो भी हाईलाइट कर दो। डेट वाला भी हाईलाइट करो और इस क्वेश्चन में एक चीज अपन ने हाईलाइट करी वो है डीसीएल, पॉइंट भी नोटेड में जाके लिख दो। एक काम है ऊपर लिख दो, अरे तुम ऐसे लास्ट में गड़बड़ करते हो बहुत, कैलकुलेशन ऑफ डीएसएल एंड डेट इतना लिख दो बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ डीसीएल एंड डेट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो। कॉन्सेप्ट का सिलसिला जारी है, बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 days leverage will be over and we will be starting with a new chapter. I hope you are feeling confident guys. Yes sir. Thank you so much. Books mera dispatch ho chuki hai, mil jayegi aapko. I will see you tomorrow. Koi bhi doubt hai to aap mujhe message kar sakte ho. Jaise isme dekho, isne bola tha ki EPS, hello EPS wipe off ho jayega. हेलो, ईपीएस वाइप ऑफ हो जाएगा, ईपीएस जीरो लेके रिवर्स कैलकुलेशन से 1,50,000 आ जाएगा, सेल्स 50% से कम हुई तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, चलेगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन से 1,50,000 आ गया, एकदम इजीली आ गया, उनको फॉर्मूला याद ही नहीं था। क्वेश्चन 5 भी हो गया, अब क्वेश्चन 5 बोले वो भी हो गया, बैठे बैठे अभी 3-4 क्वेश्चन आगे हो रहे हैं। चलो अच्छा, तो सर मेडल नहीं दे रहा, कल बुलाएंगे आप, स्वैग से स्वागत है आपको, बोलिए एक मेडल। थैंक यू सो मच आयुषी, अमेजिंग लेक्चर मेहुल, थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग लेक्चर सर, थैंक यू सो मच मेहुल। देखता हूँ।
देखता हूँ। है इतना कर लिया, इसमें देख ले। थैंक यू ऋषभ गुप्ता, थैंक यू सो मच प्रथम, थैंक यू सो मच। सूरज कह रहे एक नंबर मजा आ गया, थैंक यू सूरज, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, श्लोक बजाज थैंक यू। मैं नोट्स वगैरह सब बना के लूंगा, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना, बाकी सब मेरा काम है। हाँ एसएम में आएगा, पूजा जैन इस कॉन्सेप्ट में आएगा। सर एसएम के नोट्स कैसे बनाए? अरे मैं बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना भाई, क्लास में आना है बस, नोट्स मैं बनाऊंगा। मस्त मजा है श्लोक, थैंक यू दिव्या, एंजॉय लॉट, थैंक यू, ओनली फॉर यू आई ज्वाइन एसपी, थैंक यू सो मच। हमारी बुक्स पहुंच जाएगी बेटा जल्दी से, यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ नहीं करते बेटा, डायरेक्ट लिखते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन ईपीएस 100% वाइप आउट विथ, वो लिखा था ना बेटा पूरा वाइप आउट है, यानी कि 100% बोला या पूरा बोला, बात तो एक ही है। आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ आदित्य, सुपर टीचिंग मेथड है सर आपकी, एकता थैंक यू सो मच सर। हम टैक्स राउंड ऑफ नहीं लेते, हम हाउ टू ऑर्डर बुक्स, बुक्स क्यों ऑर्डर वहां पे पता नहीं, देखना हम टैक्स राउंड ऑफ नहीं करेंगे। किसने बोला था कि सीए कर रहे हो तो एक बार स्वप्निल सर से तो क्लास लेना चाहिए, आई फील ही वॉज राइट। ओके थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा सुन के, मजा आता है सर आपसे क्लास करने में, लर्निंग ट्विस्ट, थैंक यू सो मच। SMFM surely exemption आएगा मुझे, थैंक यू हर्षो, थैंक यू आयुष मुंदड़ा। बुक बेटा 10-11 बुक मिलेगी आपको, डोंट वरी, मैं सारी किताबें भेजूंगा आपको, 10 किताबें मिलेगी, 10 सब प्रिंट होके मिलेगी आपको बुक, हमको सबको मिलेगी पूजा जैन सारी बुक्स, इनको और आपकी किताबें सेम होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। सर सच में मजा, ओके आयुष थैंक यू, सिद्धार्थ थैंक यू, विकास भी थैंक यू, इमेजिक का चलो सर, चलो सारी बुक्स मिलेगी आपको, जी हाँ आपको मिलेगी। बट हाउ टू ऑर्डर बुक्स वेबसाइट पे, थैंक यू सो मच सर, लव यू मितेश, थैंक यू सर। क्वेश्चन 8 में ईपीएस नेगेटिव नहीं होगा क्या था भाई 8 में? मजा आ गया, वेरी गुड लेक्चर सिद्धार्थ, थैंक यू सर। मुझे डाउट है कि 100% कैसे आया, वो लिखा था ना बेटा वो 100%, वो बोलता ना पूरा वाइप आउट हो गया, तो पूरा वाइप आउट हुआ इसका मतलब ही तो 100% वाइप आउट हुआ। सर मुझे जीपे कर दो, कर देंगे सर। मेरी सिस्टर ने आपसे क्लास इसका पढ़ा था फाइनल में, उन्होंने मुझे इस पीसी रिकमेंड किया। ओह थैंक यू सो मच, अपनी बहन को बोल दो सुपर क्लासेस अविनाश, थैंक यू। कल पार्टी दे, कैसे पार्टी दे दे आपको सर, यू आर किंग ऑफ सी इंटरमीडिएट। ओह सिद्धार्थ रस्तोगी थैंक यू, अथर्व थैंक यू, आपकी क्लास लगते ही कंटिन्यू करते रहो बस, सुपर थैंक यू। रागिनी ने कहा है सर लव यू टू, सर लव यू टू पूजा जैन। सर क्वेश्चन 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, क्वेश्चन 4 में क्या था मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या था ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ही तो कंट्रीब्यूशन था। क्या बोलते रहे तुम सर, आपने बोला ना कि एफएम का पूरा आंसर के साथ भेजोगे लास्ट में, तो आप ये जो बुक्स है इसका पूरा ब्लैंक वाला वो भी भेज सकते हो, ब्लैंक की पीडीएफ है क्यों सर, लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वापस से भेजे ब्लैंक सर, पीडीएफ पीडीएफ इसमें 50 क्वेश्चन एंड एवरेज है, तो इसको खराब करो ये तो हो। अरे वो क्वेश्चन 4 में कंट्रीब्यूशन कैसा है, बिकॉज ये रेशियो है ना पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तो है ना, नहीं यहाँ पे था पीवी रेशियो, नहीं पर ये पीवी रेशियो नहीं है ना। अरे वो पीवी रेशियो में है, होमवर्क ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कम कम देता हूँ, मतलब आप क्लास में इतने फास्ट कर लेते हो, धीरे धीरे देना चालू करूंगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं, यश श्रावण पूछो,
गुजरात आऊंगा आयुषी, कैमरा में आके पूछो चिंटी। आपने गुजरात मुझे बुलाया नहीं। अविनाश थैंक यू। अब फाइनल पढ़ाते हो क्या? अभी देख रहा हूँ एक सब्जेक्ट मेरा गया है तो कुछ ढूंढता हूँ रोजी रोटी। बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू। अन्नू कुमारी थैंक यू। दिशांत ठक्कर सर यू आर ग्रेट, थैंक यू दिशांत ठक्कर। नवंबर 24 क्लास बहुत बाद में चलोगी। पीवी रेशो कैसे? अरे पीवी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भैया, मैंने थोड़ी निकाला, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आ जा। अगर डिक्लाइन की जगह 25% इंक्रीज इन सेल होता तो भी क्या हम वैसे ही लिखते ना भाई? और आप मुझे बताओ, सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस कैसे डिक्रीज होगा? आपने जो क्वेश्चन पूछा आप अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो मिताली सर। जम्मू आ जाओ, आ जाएंगे। तन्वी लव यू सर, लव यू टू सर। पीवी रेशो समझा दो। अरे पीवी रेशो है ना कि ये पीवी रेशो कॉस्टिंग में था ना कॉन्ट्रीब्यूटर। एक काम करो, रेशो एनालिसिस चैप्टर में आएगा वैसे पीवी रेशो, पर उसका फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। यानी कि 100 रुपए का सेल हुआ तो आपको वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद में आपको 27.55 आपका वो है। किसी क्वेश्चन में कहा कि 20% पीवी रेशो है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 100 रुपए का सेल हुआ तो 20 रुपए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद। अहमदाबाद आ जाओ, आ जाऊंगा सर। चिंटी को लेकर आओ कैमरा में, चिंटी को हटाओ। कहाँ से लाया आपके लिए? सर इंदौर आ जाओ, आ जाएंगे सर समझाओ। थैंक यू मिताली सर। आप मेरे पहले बड़ौदा आते हो? आते थे ना क्लास? हाँ पहले आता था। चलो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।